वालेकुम जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स आवाज़ आ रही है आप लोगों? आज जो है सेकंड क्लास है। अच्छा जी, पहली क्लास में हम लोगों ने जो काम किया था, एक दफ़ा इसको कर लेते हैं क्विकली डिस्कस, ठीक है जी। पहली क्लास में जो काम किया था उसको क्विकली कर लेते हैं डिस्कस। तो क्या क्या हमने बातें उसमें डिस्कस की थी, चले वर्बली बात कर लेते हैं। सर, हमने बात की थी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट क्या है। सर, प्रॉपर्टी से मतलब हमारा क्या? लैंड एंड बिल्डिंग। प्लांट से मुराद वो सारी मशीनरी जो कि इस्तेमाल होंगी प्रोडक्शन में, और इक्विपमेंट से मुराद वो मशीनरी जो प्रोडक्शन में इस्तेमाल नहीं होनी। फिर हमने बात की थी IS-16 के इस दुनिया में आने का मकसद क्या है, वजूद में क्यों आया। हमने बात की ऑब्जेक्टिव को लेके, इस स्टैंडर्ड के आने का मकसद क्या है, हमें PPE की अकाउंटिंग सिखाना। हमने बात की थी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जिस तरह से PPE के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा, उसको जो चीज गवर्न करती है उसमें क्या क्या बातें आएंगी, PPE की डेफिनेशन क्या है, PPE को रिकग्नाइज किस तरह से करना है, इनिशियली जब हम मेजर करेंगे तो उसकी कॉस्ट में क्या क्या चीजें आएंगी, और फ्यूचर में जब हम इसको मेजर करेंगे तो हमारे पास कौन कौन से मॉडल्स हैं। इसके बारे में हमने सिर्फ लाइटर नोट पे डिस्कस तो किया, लेकिन इतना हम जानते नहीं है। यानी कि जितने भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हैं IS-16 के, उसको उसके लिए कौन सा स्टैंडर्ड आया आपके पास प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के लिए, IS-16। स्कोप की बात की, जितनी भी PPE ट्रांजेक्शन है उस पर अप्लाई होगा। फिर हमने बात की डेफिनेशन, डेफिनेशन में क्या आई बात कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट जो है वो टेंजिबल एसेट है जिसकी लाइफ एक साल से ज्यादा की होगी। इसका मतलब इससे इकोनॉमिक बेनिफिट एक साल से ज्यादा अर्से में हम लोग रिकवर करेंगे, और तो और इसका यूजेज हुआ जा रहा होगा किन पर्पसेस के लिए, या तो इस्तेमाल हो रहा होगा गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन के लिए, या तो इस्तेमाल हो रहा होगा एडमिन पर्पस के लिए, या तो इसको हम लोग क्या कर रहे होंगे, रेंट पे दे रहे होंगे। यहां पर हमने बात की थी कि IS-16 में बात अगर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की होती है तो रेंटल किसकी बात हो रही है यहां पे? IS-16 सिर्फ प्लांट एंड इक्विपमेंट के रेंटल्स को डील करता है और प्रॉपर्टी के रेंटल्स को IS-16 डील नहीं करता। उसके लिए कौन सा स्टैंडर्ड है, IS-40, जिसका नाम क्या है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। फिर हमने बात की कि रिकग्नाइज कब किया जाएगा, यानी कि एसेट आप अपनी बुक्स में कब रिकॉर्ड करेंगे। तो आसान अल्फाज में अगर बात की जाए, जब उस एसेट का रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो जाएगा, आपको मुंतकिल हो जाएगा, ठीक, तो आपने अपनी बुक्स में उसको क्या रिकॉर्ड करना होगा, एज एन एसेट, मतलब PPE। IS-16 ने इस बात को कुछ यूं बयान किया दो पॉइंट्स की सूरत में। वो दो पॉइंट्स क्या है, आसान अल्फाज में हम क्या बोल रहे हैं कि रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर, ओ भाई तुम जाओ अपनी बुक्स में एसेट रिकॉर्ड कर दो। IS-16 ने इस पॉइंट को किस तरह समझाया कि जब फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट हासिल करने की प्रोबेबिलिटी होगी तो तुम अपने पास उस एसेट को क्या कर सकते हो, रिकॉग्नाइज कर सकते हो, और तो और उस एसेट की जो कॉस्ट है उसको तुम लोग क्या कर सकते हो, रिलायबली मेजर कर सकते हैं। ये दो बातें, ठीक, यानी कि किसी भी एसेट को आप एसेट उस वक्त तस्लीम करेंगे जब ये दो पॉइंट्स मीट लाजमी तौर पर कर रहे होंगे। फिर हमने बात की कि भाई एसेट को रिकग्नाइज करने के हमें दो पॉइंट्स पता चल गए। सर, रिकग्नाइज हमने करना है यानी कि डेट का तायुन हो गया कि इस डेट पे हमने अपने बुक्स में इसको रिकॉर्ड एज एन एसेट कर देना है। तो जब उसको एज एन एसेट के तौर पे रिकॉर्ड कर देना है तो किस कॉस्ट पे उसको रिकॉर्ड किया जाएगा, तो कॉस्ट के अंदर बेसिकली कितनी बातें आनी है, तीन। एक तो आएगी उसकी परचेज प्राइस, दूसरा आएगा डायरेक्ट एट्रिब्यूटेबल कॉस्ट, तीसरा आएगा डिसमेंटलिंग कॉस्ट। हमने पहली क्लास के अंदर दो कॉस्ट का डिस्कशन किया, एक तो थी परचेज प्राइस, यानी कि परचेज प्राइस के अंदर क्या क्या आ रही है हमारे पास कॉस्ट। एक तो आ रही है उसकी लिस्ट प्राइस, जिसको हम लोग रिटेल प्राइस भी बोलते हैं, उसमें हम लोग जो भी नॉन रिफंडेबल टैक्सेस होंगे या जो ड्यूटीज होंगी उसको क्या कर देंगे ऐड, क्योंकि उसका रिफंड हमें नहीं मिलना तो हमने उसको एसेट की कॉस्ट का क्या बना दिया, बोलिए पार्ट। और ट्रेड डिस्काउंट अगर हमने हासिल कर लिया उस एसेट को एक्वायर करते वक्त, अगर हमें कुछ डिस्काउंट मिल गया तो वो क्या करा दिया जाएगा, बोलिए माइनस। ट्रेड डिस्काउंट के अंदर हमने बात की थी दो तरह के डिस्काउंट होते हैं, एक तो होता है बार्गेन डिस्काउंट, यानी कि एक चीज हम खरीद रहे 10 लाख की, हमारी नेगोशिएशन की वजह से उसने हमें वो चीज 9.5 में बेच दी, तो इसका मतलब वो जो 50,000 का हमें डिस्काउंट मिला उसको हम लोग बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट, और ट्रेड डिस्काउंट आपकी बुक्स में कहीं भी रिकॉर्ड नहीं होना,
ये वाली बात समझ आई? तो सर वो डिस्काउंट जो हम आज से पहले अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करते आ रहे थे, उस डिस्काउंट का नाम क्या था? कैश डिस्काउंट, ठीक, जिसको सेटलमेंट डिस्काउंट यानी कि डिस्काउंट अलाउ और डिस्काउंट रिसीव, मैं उसकी बात कर रहा हूं। वो डिस्काउंट जो कि कैश बुक में रिकॉर्ड होता था, यानी कि डिस्काउंट अलाउ कैश बुक में डेबिट पे आ रहा होता डिस्काउंट रिसीव, ये कौन सा डिस्काउंट है? सेटलमेंट डिस्काउंट। अभी यहां पे बात जो हो रही है परचेस प्राइस के अंदर, वो कैश डिस्काउंट की बात नहीं हो रही, वो किस डिस्काउंट की बात हो रही है? बोलिए, ट्रेड डिस्काउंट। एक तो होगा कौन सा डिस्काउंट ट्रेड डिस्काउंट के अंदर? बार्गेन डिस्काउंट। और अगर हम कोई चीज बल्क क्वांटिटी में खरीद रहे हैं तो उस पर भी जो डिस्काउंट मिलता है उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं? बोलिए, ट्रेड डिस्काउंट। क्या ये बात समझ आई? तो परचेस प्राइस के अंदर लिस्ट प्राइस आएगा, उसमें हम ऐड करा देंगे नॉन रिफंडेबल टैक्सेस एंड ड्यूटीज, ठीक हो गया। माइनस क्या कराएंगे? बोलिए, ट्रेड डिस्काउंट। सॉरी, दूसरी बात, डायरेक्ट एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट। डायरेक्ट एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट के बारे में हमने क्या बात बोली थी? सर ये वो कॉस्ट है, ठीक, जो इंकर की जाती है। क्यों की जाती है? सर एसेट को काबिल इस्तेमाल हालत में लाने के लिए सर जरूरी है। सर जब तक हम लोग पोर्ट से क्लियरिंग नहीं कराएंगे एसेट कहां से आएगा? सर जब हम लोग ट्रांसपोर्टेशन पे नहीं करेंगे, ठीक, एसेट कैसे आएगा? सर वो जब रास्ते की इंश्योरेंस हम नहीं कराएंगे, ठीक, जो कि लाजमी है, हमने कराना, हम इसके पाबंद है, तो सर एसेट कैसे हमारे पास आएगा? सर वो पोर्ट पे तो आ गया, यहां से कराची पोर्ट से अगर जाना है इस्लामाबाद या लाहौर जाना है तो डिफरेंट टोल प्लाजा से होते हुए जाएगा, तो सर उसके जो चार्जेस डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे करने होंगे, जिसको हमने नाम क्या दिया था? ऑक्ट्रॉय चार्जेस। सर ये पे करने पड़ेंगे। और तो और सर जिस जगह हमने उस जाके एसेट को इंस्टॉल करना है तो उसकी इंस्टॉलेशन से पहले हमने उस जगह के लिए क्या करनी होगी? पूरी साइट की प्रिपरेशन करनी होगी, तो सर ये भी जरूरी कॉस्ट है। और तो और क्या हुआ? सर उसकी जो हैंडलिंग होगी, जो उसकी इंस्टॉलेशन होगी, ये भी कॉस्ट क्या है? बोलिए, जरूरी है। क्या बेटा ये वाली बात समझ आ रही? हमने चंद इसकी एग्जांपल्स ली थी, यानी कि डायरेक्ट एट्रिब्यूटेबल कॉस्ट क्या है? ये वो कॉस्ट है जो कि इनकर की जाती है एसेट को काबिल इस्तेमाल हालत में लाने के लिए। थोड़ा सा अगर फॉर्मल टच दें तो हम यू बोल सकते हैं, सर ये वो कॉस्ट है जो कि मैनेजमेंट इनकर करती है, क्यों? एसेट को डिजायर्ड लोकेशन में और डिजायर्ड कंडीशन में लाने के लिए, ताकि मैनेजमेंट की इंटेंशन के हिसाब से इसको क्या किया जा सके? बोलिए, इस्तेमाल। ये थोड़ा सा एक फॉर्मल टच था। फिर अब अगला जो एरिया आ रहा है जहां से हम आज का सेशन कंटिन्यू करेंगे वो है डिसमेंटलिंग कॉस्ट। कौन सी कॉस्ट है? डिसमेंटलिंग कॉस्ट। अब देखिए पेज नंबर किस पे डिसमेंटलिंग का जिक्र तस्करा हुआ है? पेज नंबर जो आ रहा है आपको नजर, वो आ रहा है 5। पेज नंबर 5 पे जो भी डिसमेंटलिंग की बात हुई हुई है, पहले हम यहां पे कुछ अंडरस्टैंडिंग लेते हैं, फिर जाते हैं हैंडआउट। बेटा बात सुनो, ईयर 0, 1, 2, 3, 4, 5। ईयर 0 पे प्लांट एंड मशीनरी मैंने एक्वायर किया, ईयर 0 पे प्लांट एंड मशीनरी मैंने एक्वायर किया और परचेज प्राइस मैंने पे की 100 मिलियन, ठीक हो गया। डायरेक्ट एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट पे जो खर्च हुआ वो हुआ अज्यूमिंग 30 मिलियन का। तो मुझे बताइए, एसेट को एक्वायर करने के लिए और एसेट को काबिले इस्तेमाल हालत में लाने के लिए जो मुझे खर्चे करने पड़े वो कुल मिला के कितने करने पड़े? बोलिए, बोलो, 130 मिलियन। सर सवाल अब यहां पे ये पैदा होता है कि ये 130 मिलियन का खर्चा हुआ, क्या इस खर्चे को मैं अपने पास एक्सपेंस ट्रीट करूंगा या इस खर्चे को मैं अपने पास एसेट ट्रीट करूंगा? बोलिए, क्या ट्रीट करेंगे? आज से पहले हम लोग क्या करते आ रहे थे कि जब भी हम लोगों ने कोई मशीनरी खरीदी, प्लांट खरीदा, इक्विपमेंट खरीदा, ठीक, PRC4 के हवाले से अगर हम बात करें तो हम लोग को क्या बताया गया था कि इसको एक्सपेंस ट्रीट ना करो, इसको क्या ट्रीट करो? बोलो, एसेट ट्रीट करो। तो वही सारा सिनेरियो मैं आपके सामने रख रहा हूं कि मैंने एक प्लांट एंड मशीनरी एक्वायर किया ईयर 0 पे और परचेज प्राइस मैंने कितनी पे की? बोलिए, 100 मिलियन। और एसेट को काबिल इस्तेमाल हालत में लाने के लिए वो खर्चा जो मैं समझता हूं जरूरी है किया गया, तो कितना किया गया? 30 मिलियन का। तो एसेट को एक्वायर करने में खर्चा हो कितना गया? 130। सर 130 जो है इसको मैं क्या एक्सपेंस आउट करूंगा या कैपिटलाइज करूंगा? एक्सपेंस आउट करूंगा या कैपिटलाइज करूंगा? बोलो, कैपिटलाइज। सर कैपिटलाइज पता है हम लोग क्यों कह रहे हैं कि करेंगे? जवाब इसका यह है
कि आगे आने वाले 5 सालों में इसका हमें इकोनॉमिक बेनिफिट हासिल होगा। ठीक, ये वजह है जिस वजह से हमने कहा कि सर हम इसको क्या करने जा रहे हैं, बोलिए, कैपिटलाइज। क्यों? क्योंकि सर इसका बेनिफिट हमें आगे आने वाले 5 सालों में हासिल होना है, तभी हमने इसको क्या किया, बोलिए, कैपिटलाइज। क्या बात समझ आई? और हर साल एसेट की वैल्यू में जो कमी आएगी उसको स्ट्रेट लाइन मेथड या WDV यानी कि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के तहत हम लोग क्या करेंगे, उसका डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करेंगे। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट की भी जिसे कहते हैं बाबा हो जाएगी, और मैचिंग कॉन्सेप्ट के बारे में हम सब जानते हैं, वो क्या कहता है, जिस साल की इनकम है उस साल रिकॉर्ड करो, जिस साल के एक्सपेंस है उस साल में रिकॉर्ड करो, उन दोनों को आपस में क्या करा, बोलो, मैच। तो इसीलिए हमने 130 मिलियन को क्या नहीं किया ईयर जीरो पे, बोले, एक्सपेंस आउट नहीं किया। क्यों सर? क्योंकि इसका इकोनॉमिक बेनिफिट 5 सालों में हासिल होना है, ना कि ईयर जीरो में पूरा हासिल होगा, ना ईयर वन में पूरा हासिल होगा, ना ईयर टू, ना ईयर थ्री, ना ईयर फोर, ना ईयर फाइव। 5 सालों में इसके बेनिफिट्स क्या हो रहे हैं, स्प्रेड हो रहे हैं। डन। अच्छा जी, जब मैंने प्लांट एंड मशीनरी को इंस्टॉल किया, तो उस वक्त मुझ पे एक ऑब्लिगेशन अराइज हो गई, और वो ऑब्लिगेशन ये अराइज हुई कि भाई साहब, जब इस एसेट का यूज एंड हो जाएगा या जब इस एसेट की लाइफ एंड हो जाएगी, ठीक, तो आपने जिस जगह पे इस एसेट को इंस्टॉल किया था, वो सरकार की जमीन थी, वो जमीन जो आपने इस्तेमाल की, ठीक है जी, वो न्यूक्लियर पावर प्लांट हो सकता है आपने लगाया हो, या हो सकता है ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन के लिए आपने कोई अपना प्लांट एंड मशीनरी इंस्टॉल किया हो। समझ आ रही है बात? तो सर, प्लांट एंड मशीनरी जब मैंने इंस्टॉल किया तो मुझ पे एक ऑब्लिगेशन समझते हैं क्या, जिम्मेदारी अराइज हो गई कि भाई साहब, आज नहीं तो कल, यानी कि 5वें साल में जब उस एसिड का यूज एंड होगा, या जब उस एसिड की लाइफ एंड होगी, तो आपने क्या करना है सर? आपने जो है उस एसिड को क्या करना है, बोलिए, डिसमेंटल करना है। तो जब हमें ये बात की पाबंदी आयद हो गई कि भाई आपने उस एसिड को क्या करना है 5वें साल में, बोलो, ठीक, तो हमने उसकी कॉस्ट एस्टिमेट करवाई, तो पता ये चला कि उसकी कॉस्ट जो इनकर होगी कौन से साल में, कितनी इनकर होगी, बोलो, अज्यूमिंग, ये है हमारा क्या, बोलिए, एस्टिमेट लगवाया, तो कितनी कॉस्ट इनकर होगी, बोलिए, 10 मिलियन। अच्छा जी, क्या ये जो कॉस्ट है आज इनकर हो रही है या फ्यूचर में होगी? क्या ये खर्चा आज हो रहा है या फ्यूचर में होगा? बोलो, फ्यूचर एक्सपेंस है। ठीक, ये खर्चा जो है वो हमारा क्या है, बोलिए, फ्यूचर एक्सपेंस। अब यहां पे एक और सवाल ये आया कि क्या ये खर्चा जो तुम करोगे, क्या इसके तुम पाबंद हो या नहीं? जिस जगह पे तुमने अपना प्लांट एंड मशीनरी इंस्टॉल किया, क्या वहां का माहौल आलूदा हुआ या नहीं? क्या वहां के लोग मुतासिर हुए या नहीं? क्या वहां का पानी, ठीक, मुतासिर हुआ या नहीं? तो सर, इन्वायरमेंटल डैमेजेस भी क्या है, हो रहे हैं, जमीन भी खराब हो रही है। तो सरकार ने हमें कहा कि भाई, आप इसको अपनी इखलाकी जिम्मेदारी समझो या ना समझो, हम आपको क्या कर रहे हैं, एक लीगल ऑब्लिगेशन आप पे डाल रहे हैं, ठीक, क्या आपने आज से 5 साल बाद जाके जब उस एसिड का यूज या लाइफ एंड होगी, तो भाई हम जानते हैं आप बड़े इखलाकी हैं, लेकिन फिर भी हम इसको एज एन आपकी मॉरल ऑब्लिगेशन नहीं तस्वर कर रहे, हम बोल रहे हैं भाई ये आपकी लीगल ऑब्लिगेशन है। अगर आप बहुत ही ज्यादा इखलाक का ख्याल करते हैं, इजहार करते हैं, तो आप हो सकता है बोले कि भाई ये मेरी ऑब्लिगेशन आप तो मुझ पर इम्पोज कर रहे हैं, लेकिन मैं इसको अपनी मॉरल ऑब्लिगेशन समझता हूं कि भाई जगह का इस्तेमाल हो रहा है, जगह खराब हो रही है, माहौल आलूदा हो रहा है, लोग खराब हो रहे हैं, ठीक, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा है। ऐसी बात है, अगर न्यूक्लियर पावर प्लांट अगर हम लोग लगाते हैं या रेडियो एक्टिव प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग के लिए कोई प्लांट लगाते हैं या ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन के लिए कोई प्लांट एंड मशीन इंस्टॉल करते हैं, तो सर सरकार की जमीन इस्तेमाल हो रही है, तो सरकार हम पे या तो बोलेगा भाई आप अपनी मॉरल ऑब्लिगेशन क्रिएट कर लो, ठीक, या तो अपनी लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट कर ले, या तो ऑब्लिगेशन क्या हो सकती है, मॉरल भी हो सकती है और लीगल भी हो सकती है, आपने क्या करना होगा, आज से 5 साल बाद जाके उस एसिड को जहां पे इंस्टॉल किया था, सही है जी, इंस्टॉलेशन का उलट क्या होगा, बोलिए, डिसमेंटल, ठीक,
क्या करना होगा, डिसमेंडल करना होगा, हमने वो खर्चा जो आज नहीं हुआ कब होगा, ठीक, उस खर्चे को क्या किया हमने, बोले एस्टिमेट करा है इस खर्चे को, हमने क्या बोला, दिस इज फ्यूचर एक्सपेंस। अब मुझे बताइए सर, ये चीज तो हमने पता लगा ली, क्या 100 मिलियन कैपिटलाइज होगा या नहीं, बोलो होगा, ठीक, एसएलएम और आरबीएम के तहत डेप्रिशिएट होगा। क्या 30 मिलियन भी कैपिटलाइज होगा, बोले होगा, स्ट्रेट लाइन और आरबीएम के जरिए क्या होगा, डेप्रिशिएट होगा, यानी कि 130 मिलियन जो है वो कैपिटलाइज होना है और एसएलएम या आरबीएम या जो भी डेप्रिसिएशन के मेथड है उसके हिसाब से क्या होना है, बोलिए डेप्रिशिएट। ये बात तो हमें समझ आई। अब एक बात का यहां पे डिस्कशन किया जा रहा है, वो ये कि सर ये जो 10 मिलियन का खर्चा है, ठीक, जो आज तो नहीं हुआ लेकिन क्या है, फ्यूचर में होगा, क्या ये एक्सपेंस आउट होगा या ये कैपिटलाइज करेंगे, क्या ख्याल है? अच्छा, आप बोल रहे हो क्या करेंगे इसको, जो दिल करता है बोले, दो ही ऑप्शन है, या तो एक्सपेंस आउट या तो कैपिटलाइज। चले, अगर आप लोग कह रहे हैं कैपिटलाइज, ठीक, और कुछ लोग कह रहे हैं एक्सपेंस आउट, दोनों राय लेते हैं। अगर सर हम इसको करते हैं एक्सपेंस आउट, चलो यूं करते हैं बात, ऑल्दो जवाब आया था सर क्या करेंगे, बोलिए कैपिटलाइज। अगर चले मैंने इसको कैपिटलाइज नहीं कि एक्सपेंस आउट कर दिया, तो मैं आपसे पूछता हूं जो एक्सपेंस ट्रीट कर रहा है, मैं आपसे पूछता हूं यार तुमने एक्सपेंस ट्रीट किया, क्यों किया तुमने एक्सपेंस डेबिट, क्या इसका बेनिफिट तुम्हें, क्या इसका एक्सपेंस का बेनिफिट तुम्हें पांचवें साल मिलेगा या इन 5 सालों में मिलेगा, क्या इसका बेनिफिट तुम्हें पांचवें साल मिलेगा या इन 5 सालों में मिलेगा, 5 सालों में मिलेगा। अब देखो हाथों के इशारों से ही आपको बात समझ आ रही है कि सर अगर इसका बेनिफिट हमें 5 साल में मिलता है तो 5वें साल का ये क्या होता, बोलो एक्सपेंस, लेकिन सर इसका जो बेनिफिट हम हासिल कर रहे हैं वो 5 सालों में कर रहे हैं, क्या ये वाली बात समझ आई, इसका बेनिफिट हम लोग हासिल कर रहे हैं 5 सालों में, इस 130 मिलियन का बेनिफिट कितने सालों में हासिल कर रहे हैं, 5 साल में, तो हमने एक्सपेंस आउट किया, कैपिटलाइज किया, कैपिटलाइज, और एसएलएम आरबीएम के थ्रू क्या करेंगे, डेप्रिशिएट। तो ये जो 10 मिलियन का खर्चा आपको नजर आ रहा है, सही है जी, इसको हम लोग एक्सपेंस आउट करेंगे तो इसका मतलब हम ये ले रहे हैं कि इसका बेनिफिट हमें सिर्फ कौन से साल मिलेगा, और अगर इसको हम लोग करते हैं जो अभी आपने बोला था क्या, कैपिटलाइज, तो इसका मतलब इसका बेनिफिट अगर आप कर रहे हो कैपिटलाइज, इसका मतलब आप क्या ले रहे हो कि इसका बेनिफिट हमें कितने सालों में मिल रहा है, बोले 5 साल में। तो I-16 आया, उसने थपकी लगाई, बोला शाबाश, वो बात जो मैं करने लगा था तुमने बातों ही बातों में खुद पिक कर लिया कि इसको क्या करना पड़ेगा, बोलिए कैपिटलाइज। अब तुम जो कैपिटलाइज करोगे यानी कि 130 मिलियन में वो अमाउंट जो तुम ऐड करने जा रहे हो डिसमेंटलिंग के हवाले से, ये जो अमाउंट है वो कितने का है, बोलिए 10 मिलियन का। ये 10 मिलियन तो फ्यूचर वैल्यू है, ये 10 मिलियन क्या है, बोलिए फ्यूचर वैल्यू है। तुमने एसेट को आज अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करना है, आज जो उसकी कॉस्ट यानी कि जो उसकी फेयर वैल्यू उस पर तुमने रिकॉर्ड करना है। ये जो 10 मिलियन है ये तो फ्यूचर वैल्यू है, तो तुम एक काम ये करो, जहां तक तुम पहुंच गए बिल्कुल सही जगह पहुंचे, तुमने करना ही होगा कि वो जो भी अमाउंट तुमने एस्टिमेट कर लिया है ये तुम्हारा बेहतरीन एस्टिमेट है, तुमने क्या करना होगा, फ्यूचर वैल्यू और एक और चीज होगी जिसको हम लोग बोलेंगे डिस्काउंट रेट बोलेंगे, उसकी मदद से तुमने क्या निकालनी होगी, बोलिए प्रेजेंट वैल्यू, और जो भी उसकी क्या आएगी, बोलिए यानी कि जो भी उसकी क्या आएगी, बोलिए प्रेजेंट वैल्यू आएगी, सही है नहीं, जो भी उसकी प्रेजेंट वैल्यू आएगी तुमने क्या करना होगा, तुमने क्या करना होगा, सही है नहीं, ये क्या है आपके पास, परचेज प्राइस डायरेक्ट एट्रिब्यूटेबल कॉस्ट, इसमें मजीद क्या ऐड करेंगे, बोलिए डिसमेंटलिंग कॉस्ट को तुम क्या करोगे ऐड, तो ये जो आपके पास आएगा वो क्या होगा, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की क्या बन जाएगी, बोलिए कॉस्ट। क्या ये वाली बात समझ आई, हैंडआउट पे जरा जल्दी से नजर डालिए, वहां पे पेज नंबर 5 को देखो बेटा, The ownership, आगे पेज नंबर 5 आपके सामने, The ownership of an asset may come with an obligation to dismantle the asset, ठीक, उस जगह से उसको रिमूव करो, और तो और जिस जगह तुमने उसका इस्तेमाल किया उस जगह को तुमने क्या करना पड़ेगा, बोलिए रीस्टोर करना पड़ेगा, ठीक है जी, और ये काम आज नहीं होगा, ये काम आगे आने वाले किसी साल में होगा जब उस एसेट का यूज या लाइफ क्या हो जाएगी, बोलिए एंड।
तो यानी कि कुछ एसेट की ओनरशिप हमारे पास हासिल ही उस वक्त होती है जब हम अपनी एक ऑब्लिगेशन क्रिएट करते हैं, जिम्मेदारी क्रिएट करते हैं कि भाई साहब आज से 5 साल 10 साल 20 साल बाद जाके जब इस एसेट को हम यहां से हटाएंगे, हटाने की कॉस्ट सर मेरी जिम्मेदारी। उस एसेट को हटाने से पहले उस एसेट को डिसमेंटल करना होगा, अनइंस्टॉल करना होगा सर, जो खर्चा होगा वो मेरा, उसको वहां से हटाने का खर्चा मेरा, ठीक। और तो और वो जो भी जगह को डैमेजेस पहुंचे हैं सर, उसको काफी हद तक रिस्टोर करने में जो भी कॉस्ट लगेगी सर वो मेरी, ये मेरी एक ऑब्लिगेशन मैं क्रिएट कर रहा हूं, सही है नहीं। तो इस ऑब्लिगेशन की बेसिस पे हमने क्या किया, उस कॉस्ट को एस्टिमेट किया। कौन सी कॉस्ट? डिसमेंटल करने की कॉस्ट, साथ साथ उसको रिमूव करने की कॉस्ट, साथ साथ बोलिए, एक तो डिसमेंटल हो गया, रिमूव हो गया, और तीसरी बात उस जगह को रिस्टोर करने की, जो भी खर्चे आना है हमने कि उसको क्या करना है, बोलिए एस्टिमेट करना है। एस्टिमेट करने के बाद जो भी फ्यूचर वैल्यू आ रही है उसको डिस्काउंट करके क्या निकालेंगे, बोलिए प्रेजेंट वैल्यू, और प्रेजेंट वैल्यू जो एसेट की कॉस्ट का क्या बन जाएगा, बोलिए पार्ट। और फिर ये जो अमाउंट आएगा उसको हम लोग SLM या RBM या जो भी डेप्रिसिएशन का मेथड आता है उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, बोलिए डेप्रिशिएट। तो अब देखिए, दिस ऑब्लिगेशन मे अराइज सिंपली बाय परचेजिंग द एसेट और थ्रू द यूज ऑफ द एसेट, समझ आ गई बात। फिर पॉइंट एक और लिखा हुआ है, इट इज द ओनली कॉस्ट दैट इज इनकर्ड इन फ्यूचर बट विल बी कैपिटलाइज टूडे। ये वाहिर ऐसी कॉस्ट है, सही है नहीं, जिसके बारे में क्या बोलता है, फ्यूचर में इनकर होगा, ठीक, लेकिन कैपिटलाइज क्या हो रहा है आज, और कैपिटलाइज किस पे होगा, बोलिए प्रेजेंट वैल्यू पे। दीज कॉस्ट मस्ट बी एस्टिमेटेड एंड इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ द एसेट एट प्रेजेंट वैल्यू। कुछ कुछ बात हमें समझ आ गई। एग्जाम्पल में कुछ न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात की हुई है, रेडियो एक्टिव प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग की, OGDC ऑयल गैस डेवलपमेंट की बात हो रही है यहाँ पे, और अरे एक मिनट यार, चलिए जी अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। एग्जाम्पल नजर आ रही है विच इज ऑन page 5, ठीक, एग्जाम्पल सामने आपके। अच्छा जी, एग्जाम्पल ऑटम 2002 निपॉन लिमिटेड। निपॉन लिमिटेड took delivery of land server on the first day of July 2001. The list price of the equipment was ₹1,50,000. List price, retail price, which is 1,50,000. But Nippon Limited was able to negotiate a price of ₹1,00,000. ठीक, तो मुझे बताओ परचेज प्राइस आपको नजर आ कितनी रही है, लिस्ट प्राइस कितनी है, 1,50,000। एक वो चीज जो कि यहाँ पे ढके छुपी हुई है, ठीक, 50,000 का अमाउंट ढका छुपा हुआ है, वो बेसिकली है क्या, ट्रेड डिस्काउंट। तो यानी कि 1,50,000 माइनस 50,000 1,00,000 परचेज प्राइस आ गई। However, the supplier charged an additional 3,400 to install and test the equipment. सप्लायर ने वही चार्ज किया 3,400 इंस्टॉलेशन का और टेस्टिंग का। अब आप बताइए क्या ये कॉस्ट डायरेक्ट एट्रिब्यूटेबल कॉस्ट है या नहीं है? है। क्या ये कॉस्ट एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनेगा? बनेगा। तो इसका मतलब 1,00,000 में 3,400 क्या होने वाला है, बोलो एड। अभी हम बेसिकली बेटा करने क्या जा रहे हैं, रिक्वायरमेंट हमने कल पढ़ ली थी, तो आज हमने रिक्वायरमेंट पे पहले बात नहीं की, हमने डायरेक्ट शुरू कर दिया सवाल। क्या मालूम करना चाह रहे हैं कि भाई तुम अपने पास एसेट को जो लेके आ रहे हो ना, हाँ, उसको तुम डे वन पे जिस वैल्यू पे रिकॉर्ड करोगे ना वो वैल्यू बता दो। क्या ये बात क्लियर हो रही है? चलो जी, 3,400 एड होगा। द सप्लायर ऑफर्ड ए 5% डिस्काउंट इफ निपॉन लिमिटेड पेड द इक्विपमेंट paid for the equipment and additional installation cost within 7 days. Nippon Limited was able to take advantage of this additional discount. What is this? This is trade discount or settlement discount? Yeah, cash discount. Cash discount या settlement discount जो है वो asset की cost को affect नहीं करता। तो sir कौन से discount करता है? Trade discount. Trade discount asset की value को क्या करेगा? कम कर देगा। तो इसका मतलब ये जो 5% वाली बात है इसको हमने करना है इग्नोर, इसका ताल्लुक एसेट की कॉस्ट से नहीं है। द इंस्टॉलेशन ऑफ स्पेशल इलेक्ट्रिकल वायरिंग फॉर द सर्वर कॉस्ट 1,100।
वायरिंग हो रही है स्पेशल किस्म की इंस्टॉलेशन के दौरान 1100, क्या ये डायरेक्ट एट्रिब्यूटेबल कॉस्ट है? Yes, sir. तो लाख में 3400 ऐड प्लस बोलो 1100, चलो जी ऐड आफ्टर इनिशियल टेस्टिंग सर्टेन मॉडिफिकेशन। भाई जब टेस्टिंग होती है जिसको हम लोग नाम देते हैं प्री प्रोडक्शन टेस्टिंग, सर जब टेस्टिंग होती है तो क्या मशीनरी इस्तेमाल में आ चुकी होती है या उसका टेस्ट रन पे चलाया होता है? बोलो। और टेस्टिंग के दौरान अगर किसी किस्म का कोई मसाइल आ रहे होंगे तो क्या उसको मॉडिफाई किया जाएगा? क्या मॉडिफिकेशन कॉस्ट जो है एसेट की कॉस्ट का पार्ट यानी कि डायरेक्ट एट्रिब्यूटेबल कॉस्ट का पार्ट बनना चाहिए? बिल्कुल चाहिए सर। टेस्टिंग होती इसलिए कि अगर किसी किस्म का कोई हमें मसला नजर आ रहा हो तो उसको मॉडिफाई कर दो और जिस म्यार पे हम उसको सेट करना चाह रहे हैं उस म्यार पे उसको ले आए। क्या ये बात समझ आई? तो सर लाख प्लस 3400 प्लस 1100 प्लस बोलो 1900। MIS मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम स्टैंड फॉर MIS स्टैंड फॉर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। स्टाफ वर सेंट ऑन स्पेशल ट्रेनिंग कोर्स टू ऑपरेट द सर्वर विच कॉस्टेड ₹9,900 टू निपॉन। सर चूंकि एम्प्लॉय की ट्रेनिंग पे खर्चा हमारा हो तो रहा है लेकिन हम इस खर्चे को एसेट की कॉस्ट का पार्ट इसलिए नहीं बनाएंगे क्योंकि सर एसेट पे एम्प्लॉयज पे हमारा कंट्रोल नहीं है। और एसेट की डेफिनेशन का एक बुनियादी पॉइंट है वो ये कि एसेट जो है वो एक रिसोर्स है जिसपे उसका क्या होना चाहिए? बोले कंट्रोल। और याद कीजिए कंट्रोल का मतलब क्या है कि हमारी सलाहियत है कि इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, एबिलिटी टू यूज एंड रिस्ट्रिक्ट अदर्स फ्रॉम यूजिंग इट। याद है बात कंट्रोल का मीनिंग क्या होता है? सर ये चीज को इस्तेमाल करने की मैं क्या रखता हूं? बोलो सलाहियत। सही है जी। और तो और दूसरों को पाबंद कर सकता हूं कि इसका इस्तेमाल तुम ना करो। कंट्रोल का मतलब क्या है? कंट्रोल का मतलब क्या है? एबिलिटी टू यूज और रिस्ट्रिक्ट अदर्स फ्रॉम यूजिंग इट। ठीक, ये किसका मीनिंग है? बोले कंट्रोल। क्या एम्प्लॉयज पे हमारा कंट्रोल होता है? नहीं होता। ठीक, वो छोड़ के जा सकता है ऑल्दो अगर वो एक एग्रीमेंट को वायलेट करता है तो वो जो भी पेनल्टीज होंगी वो इदारा उसके ऊपर चार्ज कर सकता है, वो पेनल्टी दे दे भले। लेकिन क्या है कि हम लोग चूंकि एम्प्लॉय पे कंट्रोल नहीं रखते तो उसकी जो भी ट्रेनिंग पे खर्चा हो रहा है उस खर्चे को मैसेज की कॉस्ट का पार्ट बोलो नहीं बनाएंगे तो क्या करेंगे? सर एक्सपेंस आउट कर देंगे। एसेट की कॉस्ट का पार्ट जब नहीं बनना तो कुछ तो होना है ना, क्या होगा बोलिए? एक्सपेंस आउट हो जाएगा। द इक्विपमेंट वॉज इंश्योर्ड अगेंस्ट फायर एंड थेफ्ट एट अ प्रीमियम ऑफ 4% पर एनम ऑफ कॉस्ट। अब मुझे बताइए सर एसेट को काबिल इस्तेमाल हालत में लाने के लिए जो खर्चा हम समझते थे वो हमने किया और उसको एसेट की कॉस्ट का बना दिया पार्ट। अब एसेट जो है वो अवेलेबल फॉर यूज आ चुका है। हमने बोला भाई एसेट की लाइफ 5 साल है, हम क्या करते हैं कि उसका फायर इंश्योरेंस करवा लेते हैं, चोरी चकारी अगर कोई इसका पार्ट हो जाए तो उसकी इंश्योरेंस करा लेते हैं। तो क्या ये जो कॉस्ट जिसकी मैं अभी बात कर रहा हूं इंश्योरेंस करवाने की, थेफ्ट से बचने के लिए अपने इंश्योरेंस कवर ले रहा हूं, तो ये क्या एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनना चाहिए? बोलो बनना चाहिए। सर अगर बनना चाहिए तो मैं क्या करूंगा, एसेट की 10 साल लाइफ है, मैंने 10 सालों का इंश्योरेंस करा दिया, एसेट दिन ब दिन फलता फूलता नजर आ रहा है, बजाय इसकी एसेट की वैल्यू क्या हो जाए कम हो। हर साल क्या कर रहे हैं हम, इंश्योरेंस करा रहे हैं एसेट की वैल्यू बढ़ी, इंश्योरेंस करा रहे हैं एसेट की वैल्यू बढ़ी है। तो क्या ये बात, देखो बात सुनो, हमने क्या बात बोली थी, एसेट को जब तुम इनिशियली मेजर करते हो तो उसकी कॉस्ट में कितनी चीजें आती हैं? 3, परचेज प्राइस, डायरेक्ट एट्रिब्यूटेबल कॉस्ट और तीसरा डिसमेंटलिंग। तीसरी बात का भी हमने कुछ आइडिया ले लिया। सही है जी। सर ये जो कॉस्ट है ये तो जब एसेट अवेलेबल फॉर यूज आ जाएगा फिर सर इस तरह की कॉस्ट तो चलते रहेंगी। ठीक, इंश्योरेंस करवा लिया सर, चोरी चकारी से बचने के लिए हमने अपना कोई कवर ले लिया, तो ये जो कॉस्ट है ये है रिकरिंग कॉस्ट। क्या ये वाली बात समझ रहे? ये कॉस्ट कौन सी है? देखो मैं नाम डायरेक्ट ले सकता था, मैंने अब जाके नाम क्या लिया, ये है रिकरिंग कॉस्ट। यानी कि एसेट यूजेबल कंडीशन में आ गया, अब इसके ऊपर जो खर्चे हो रहे होंगे सर, तेल पानी गैस वगैरह वगैरह जो भी खर्चा हो रहा होगा, उसकी रिपेयर एंड मेंटेनेंस में खर्चा हो रहा होगा, छोटे मोटे पार्ट इस्तेमाल हो रहे होंगे, जो लेबर लगी हुई है उसकी जो कॉस्ट होगी, सर ये तो रिकरिंग कॉस्ट है।
ठीक, तो हम अपने पास ये कहीं ना कहीं नोट करेंगे, जो रिकरिंग कॉस्ट है वो एसेट की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनता, जो रिकरिंग कॉस्ट है वो एसेट की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनता। सर एसेट को लाते वक्त जो उसकी इंश्योरेंस होती है वो बनता है? सवाल आया सर, कल भी बात हुई थी, अभी भी बात हुई, एसेट को हम लोग मिसाल के तौर पे जर्मनी के पोर्ट से लोड करवा के हम लोग अपने पास, हेलो, एसेट को जर्मनी के पोर्ट से हम अपने पास लोड करवा के जहाज में कराची ला रहे हैं। जो जर्मन सप्लायर था उसने हमसे आखिरी हाथ मिलाया उस वक्त जब उसने मशीनरी हमें हैंड ओवर कर दी, ठीक, और जब हैंड ओवर की तो मैं ये पूछ रहा हूं कि भाई क्या अब आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? बोला सर जिम्मेदारी सिर्फ कब तक थी, पोर्ट तक एसेट को लेके आना, अब ये साला चोरी हो, टूट जाए, तबाह हो जाए, जो भी हो, मेरा इससे कोई सरोकार नहीं। तो सुनना, इसका मतलब उसने बोल दिया मेरे प्यारे भाई रिस्क एंड रिवॉर्ड अब तुम्हारा, ठीक, अब वो मशीनरी तुम्हारे पास एक महीने में पहुंचे, दो महीने में पहुंचे, एक हफ्ते में पहुंचे, अब रिस्क एंड रिवॉर्ड तुम्हारा। तो मैं अपनी डेट, मैं अपने पास एसेट को जिस डेट पे रिकॉग्नाइज करूंगा, जिस डेट पे अपना एसेट मानूंगा, सही है जी, ये कौन सी डेट होगी? जिस दिन उस जर्मन सप्लायर ने मुझसे आखिरी हाथ मिलाया और कहा कि अब तू जान तेरा एसेट, ठीक, क्योंकि रिस्क एंड रिवॉर्ड तुम्हें अब मैंने ट्रांसफर कर दिया, अब चूंकि रिस्क मेरा है तो मैंने बोला उस्ताद एक काम करते हैं, इसकी सबसे पहले कराते हैं क्या इंश्योरेंस, क्योंकि वो चीज मेरी आ गई ना, ठीक, तो अब मैंने उसकी क्या करानी पड़ेगी, बोलिए इंश्योरेंस। अब ये जो इंश्योरेंस करा रहा हूं क्यों करा रहा हूं, क्योंकि सर रिस्क किसका है, बोलिए मेरा, और जब एसेट आ जाएगा तो रिवॉर्ड भी किसके होंगे, बोलिए मेरे होंगे, क्योंकि ये मेरा क्या है, बोलिए एसेट। तो अब सुनो सर, रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो गया, एसेट पहुंचा हमारे पास एक महीने बाद, एसेट पहुंचा हमारे पास एक महीने बाद, तो चूंकि रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो गया था, पेमेंट भी हम लेट सपोज कर चुके थे, तो मैं अपनी बुक्स में यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब मैं बनाऊंगा तो वहां पे आ रहा होता है पीपीई आ रहा होता है। अब अगर मैं बोलता हूं कि भाई रिस्क एंड रिवॉर्ड मेरा है तो मैं अपने पास इसको बुक्स में क्या रिकॉर्ड करता हूं, बोलिए पीपी, पीपी रिकॉर्ड कर लिया जितनी कॉस्ट मैंने पे की, सही है जी। जब एक बंदा फिजिकली आके देखता है भाई आपकी बुक्स में तो ये पीपी आ रहा है जो कि आपने जर्मनी से मंगाए, दिखाएं तो सही एसेट किधर है। पीपी में आने का मतलब क्या है कि ये वो चीज है जो कि आपके पास टेंजिबल एसेट है जो कि फिजिकली मौजूद है। सर ये तो अभी मौजूद नहीं है, आप मेरा पॉइंट समझ रहे हो, वो तो रास्ते में, तो सर जब रास्ते में तो इतनी पंचायत क्यों करें सर, उसको बोल दें ये क्या है कि ये जो नॉन करंट एसेट है वो इन ट्रांसिट है, यानी कि हम क्या लिख देंगे, पीपी नहीं लिखेंगे उसको, क्या लिखेंगे, इन ट्रांसिट लिख देंगे, यानी कि नॉन करंट एसेट में आ तो रहा होगा लेकिन किस नाम से आ रहा होगा, इन ट्रांसिट के नाम से आ रहा होगा, और वो डेप्रिशिएट होगा। सर जब तक एसेट हमारे पास आ नहीं जाता हम लोग उसका डेप्रिसिएशन स्टार्ट कैसे कर सकते हैं? तो राधा देने इसको हम लोग अपने पास रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर होते ही क्या रिकॉर्ड कर दें, पीपीई ये नहीं करेंगे हम, क्योंकि वो तो अभी रास्ते में, और जब वो आ जाएगा तो वो इन ट्रांजिट के लेजर से निकल जाएगा और वो प्योरली किसके लेजर में आ जाएगा, बोलिए पीपी के लेजर में आ जाएगा। ये वाली बात समझ रही? तो मैंने जो रिकॉग्निशन के ऊपर दो चार पांच मिनट लगाए थे कल भी और आज भी मैंने दोहराया, सही है जी। अब सुनिए, चलो एक बात बताओ सर, एसेट हमने रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो गया था फॉर एग्जाम्पल पहली जून को, कौन सी जून को, पहली जून, हमारे पास जो एसेट आया वो आया पहली जुलाई को, सही है। सवाल ये पैदा होता है कि मैं अपने पास एसेट को रिकॉग्नाइज, ठीक, जो करूंगा वो पहली जून को करूंगा या पहली जुलाई को करूंगा? हाँ आप बोलते हो फर्स्ट जून, बाकी लोग फर्स्ट जून। तो ऑनलाइन स्टूडेंट्स बताओ जी, मोसा भाई, पारस, बताइए क्या पहली जून को होगा या पहली जुलाई को होगा? रिकॉग्निशन की बात मैंने जो कल भी की थी मैं दोबारा दोहरा रहा हूं, इस बात को हल्का नहीं लीजिएगा, वो तो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट था। अभी जब हमारे सामने सिनेरियो आया क्योंकि भाई ने पूछा इंश्योरेंस इन ट्रांजिट क्या ऐड होगा नहीं होगा, तो इस सवाल का जवाब देने के लिए मैंने थोड़ा सा एक ग्राउंड बनाया। हम लोग अपने पास एसेट को रिकॉग्नाइज उस वक्त करेंगे
मैं नहीं बोलता, जब रिस्क एंड रिवॉर्ड तुम्हारा हुआ। अब तुम्हारे पास एसिड अभी फिजिकली पहुंचा नहीं है, लेकिन तुम्हारा एसिड ये हो गया है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आप पहली जून को अपने पास एसिड रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन पीपी नहीं बोलेंगे, उसको इन ट्रांजिट का नाम देंगे, ताकि देखने वाला बंदा ये समझ जाए कि पीपीई जो है वो इसका है, ठीक, लेकिन वो फिजिकली अभी मौजूद नहीं है। वो किसमें है बोलिए, रास्ते में। तो इन ट्रांजिट का वर्ड जो है ये सारी एम्बिग्यूटीज को दूर कर देगा। क्या ये वाली बात समझ आ गई भाइयों बहनों? तो रिकग्निशन वाली बात हल्की नहीं है। रिकग्निशन वाली बात पहचाना नहीं पहचाना, ठीक, यानी कि आप किस डेट पे पहचान रहे हो, किस डेट पे अपने पास उस एसिड को अपनी किताबों में दर्ज कर रहे हो, दैट इज द रिकग्निशन। सर मेजरमेंट क्या होता है? मेजरमेंट आफ्टर रिकग्निशन। देखो मेजर किया जा रहा है रिकग्नाइज करने के बाद। उसके अंदर कितनी बातें थी बोलिए? तीन। क्या पहली बात? परचेज प्राइस। अब वही सारी बातें शुरू, डायरेक्ट एट्रिब्यूटेबल कॉस्ट। और तीसरे क्या हो जाएगा बोलिए? डिसमेंटलिंग। तो ये सारी बात जो हमने अभी शुरू की, सवाल आया था कि सर इंश्योरेंस जो रास्ते की होगी क्या उसको हम लोग कैपिटलाइज करेंगे या नहीं करेंगे? जवाब मैंने क्या दिया? चूंकि जर्मन सप्लायर ने या किसी दुकानदार ने, वो भाई एसी लेने गया। अब सुनो एक बात सुनो, चले यहां से जरा बात को और छेड़ते हैं। मैंने बोला भाई साहब, एक तो भाई साहब, अब सुनिए, मैंने आपको एक जिम्मेदारी दी, आप हमारे एम्प्लॉय हो, आप हमारे स्टाफ में से एडमिन के बंदे हैं। मैंने बोला यार एक काम कीजिए, फला मशीनरी जो है चाहिए जी, जाए मार्केट में जरा सर्वे करें और यहां तक लेके आए, हमें वो चीज चाहिए। पहले दिन गए आप, आपने वो सर्वे वगैरह किया, मशीनरी पसंद कर ली और उसको आपने जो भी सवारी थी उसमें लोड करा दिया। जब लोड कराया केस वन, तो जो सप्लायर था जिससे हम वो मशीनरी खरीद रहे थे, उसने बोला भाई अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, आपकी चीज है, अब रिस्क सारा आपका। अब मैं क्या करूंगा? वो चीज पहुंची नहीं है, लेकिन चूंकि रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो गया है, ठीक, तो वो मेरा क्या बन गया? बोली एसेट। लेकिन चूंकि अभी वो रास्ते में, तो बोल दिया इंट्रांसिट। अभी तो यहां पर महीनों की बात नहीं कर रहे, दो तीन दिन का सीन बना रहे, पहला केस। अच्छा जी, दूसरा सिनेरियो, दूसरा सिनेरियो उसने ये बोला कि सर आप जो है एक काम करें कि मशीनरी पसंद कर ली आपने, हम अपनी सवारी में आपके प्रेमिसेस तक पहुंचाएंगे, ठीक, यानी कि पसंद कर ली थी मशीनरी पहले दिन, हमने पेमेंट भी कर दी, लेकिन मशीनरी हमें डिलीवर कब हुई बोलिए? तीसरे दिन। तो हम अपने पास उस मशीनरी को एसेट के तौर पे कब रिकॉग्नाइज करेंगे? पहले दिन, तीसरे दिन? बोले तीसरे दिन। आई होप मैं मजीद खेल सकता हूं बात को, सिर्फ मैं एक बात पे जरा ज्यादा जोर लगा रहा हूं, वो क्या कि रिस्क एंड रिवॉर्ड जैसे ही ट्रांसफर हो जाएगा, सही है नहीं, तो वो क्या होगा उस डेट पे मैं अपने पास एसेट को क्या करूंगा बोलिए? रिकॉग्नाइज करूंगा। लेकिन कॉस्ट कैसे रिकॉर्ड करें? क्या चीज? कॉस्ट जैसे कल कायदा में दो चीज होती है, कुछ और कॉस्ट। देखें, हमने एक चीज जो है 10 लाख की खरीद ली है, हमने उसको पेमेंट करने का वादा कर लिया है या पार्शल पेमेंट हमने कर दी है, उसने बोला बकिया पेमेंट जो है वो आपके प्रेमिसेस पे आके मैं एसिड दूंगा, बकिया पेमेंट मुझे दे देना। कहने का मतलब ये है कि जहां पे उसने बिल्कुल हाथ खड़े कर दिए कि भाई आप जानो आपकी चीज, ठीक। एक होता है, मैंने जो भी थोड़ी देर पहले बात कर रहा था ना, एक होता है FOB होता है, सही है नहीं, फ्रेट ऑन बोर्ड का नाम देते हैं, और एक होता है CIT होता है, कॉस्ट इंश्योरेंस और ट्रांसपोर्टेशन, ठीक। हम इसके हवाले से मौका लगा, बल्कि मौका निकालेंगे, हम बात करेंगे ड्यूरिंग एग्जांपल कि FOB प्राइसिंग मैकेनिज्म क्या होता है और CIT प्राइस मैकेनिज्म क्या होता है। यानी कि जब हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट वगैरह की बात कर रहे होते हैं, तो बाहर से अगर कोई चीज मंगवाते हैं तो प्राइस मैकेनिज्म हो सकता है या तो FOB हो या तो क्या हो सकता है CIT। ये जो अभी मैं थोड़ी देर पहले बात बोल रहा था ना, जर्मन सप्लायर ने हाथ मिलाया, उसने बोला भाई आपकी चीज हमने हवाले कर ली, ठीक। तो इस तरह की प्राइस मैकेनिज्म को हम लोग बोलते हैं FOB। इसका मतलब रिस्क एंड रिवॉर्ड उसी वक्त ट्रांसफर हो गया जब जर्मन सप्लायर हमसे आखिरी हाथ मिला के चले गया, आप जाने आपका एसेट। ये जो CIT होता है, कॉस्ट इंश्योरेंस एंड ट्रांसपोर्टेशन, इसमें क्या होता है कि वो जो जर्मन सप्लायर है वो बोलता है कि सर हम अपने पोर्ट से चढ़ाएंगे, आपके पोर्ट पे लाएंगे और आपके पोर्ट में लाके जो आखिरी हमारा हाथ मिलाना होगा वो कराची पोर्ट पे होगा और उसके बाद हम हाथ खड़े कर देंगे। इसका मतलब
CIT प्राइस मैकेनिज्म है. इसका मतलब रिस्क एंड रिवॉर्ड जर्मन पोर्ट पे नहीं हुआ, रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर कब हुआ बोले कराची पोर्ट पे हुआ. दिस इज CIT. भाइयों को मैंने कोई ऐसी बुरी बात नहीं बोली ना. हम ये डिस्कस करेंगे. दो मैकेनिज्म होते हैं, एक होता है FOB शिपिंग और दूसरा होता है कौन सा CIT. हम अभी दोबारा से लौट आ रहे हैं उसी जगह पे जहां से बात छेड़ी थी. वो कौन सी बात थी, लेकिन इसी बात हो ही बातों में आपने देखें FOB की थोड़ी सी बात कर ली, आपने CIT की भी बात कर ली जो कि हमने क्विकली समझ लिया. भाईजान समझ आ गई ना बात. और हमने क्या बात की है, रिकग्निशन में जो रिस्क एंड रिवॉर्ड वाली बात थी वो भी हमें अल्हम्दुलिल्लाह काफी पहले से मुकाबले में क्लियर हो गई है. तब आइए, द इक्विपमेंट वॉज इंश्योर्ड अगेंस्ट फायर एंड थेफ्ट एट अ प्रीमियम ऑफ 4% पर एनम. सर इसका क्या करेंगे, क्या करेंगे? ये इंश्योरेंस इन ट्रांजिट नहीं है, इंश्योरेंस इन ट्रांजिट विल बी कैपिटलाइज. और एसेट अवेलेबल फॉर यूज आने के बाद उसकी अगर कोई इंश्योरेंस कराई जाती है तो ये रिकरिंग कॉस्ट है एंड दिस विल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ एसेट. बड़ी लाउड एंड क्लियर मैंने बात की, रास्ते की इंश्योरेंस इज ट्रांजिट एड टू कॉस्ट ऑफ एसेट, अदरवाइज जो भी दूसरी इंश्योरेंस है वो एसेट की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा. A maintenance agreement was entered into with a company which promised to provide, बोलिए, 24 hours breakdown cover for 1 year at a cost of 3500. क्या इस cost का ताल्लुक asset की cost से बनता है, नहीं बनता? नहीं बनता. तो हम अब यहाँ पे काम ये कर लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीजें आनी है. हाँ जी, ये कौन सा है, पेज नंबर 5, कौन सा सवाल? निपॉन. तो बताइए लिस्ट प्राइस बोलेंगे बेटा, डेढ़ लाख, ट्रेड डिस्काउंट कितना, 50,000, ये कितना हो गया 1,00,000, दिस इज परचेज प्राइस. अच्छा जी, फिर बताइए और क्या क्या आ रहा है, इंस्टॉलेशन कितना, 3400. फिर बताइए वायरिंग शायरिंग हुई है, कितना, 1100. और मॉडिफिकेशन जो हुई है 1900 की, 1,00,000. जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स बताइए, ये जो हमने डिस्कशन किया आज की क्लास में यहाँ तक का जितनी भी बातें हैं वो सब समझ आ गई हैं? जल्दी से बताइए, कशफ, मूसा, पारस, चलें जी अल्हम्दुलिल्लाह आगे बढ़ते हैं. अभी तो बिल्कुल ही नन्ना मुन्ना हल्का फुल्का सा काम स्टार्ट हुआ है. अगली एग्जांपल पे आ जाइए. ये एग्जाम्पल मैंने उठाई है, एक मशहूर ज़माना किताब है जिसका नाम है ग्रिपिंग IFRS, वहाँ से ये एग्जाम्पल उठाई है. ठीक है जी, आगे बढ़ सकते हैं. चले जी अगली एग्जाम्पल पे आ जाइए. A Limited bought a special bread making plant on 1st January 2021. सबके सामने एग्जाम्पल है, पेज नंबर 6. ठीक है बेटा, परचेज प्राइस रिक्वायरमेंट जरा पढ़ लीजिए. कैलकुलेट द कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड टू द प्लांट अकाउंट. बताओ बेटा, परचेज प्राइस एड, इंपोर्ट ड्यूटीज लिखा हुआ है नॉन रिफंडेबल. एक बात सुनिए, इंपोर्ट ड्यूटीज के आगे अगर नॉन रिफंडेबल नहीं भी लिखा होता
तो भी हम अज्यूम ये करते कि ये नॉन रिफंडेबल है। अगर ये नॉन रिफंडेबल वाली बात नहीं भी लिखी होती ना, जैसे कि एक एग्जांपल हमें अगले पेज पे शायद नजर आ रही है, विच इज पेज नंबर 7, और जो दूसरी एग्जांपल है वहां पे देखो इंपोर्ट ड्यूटीज नजर आ रहा है, लिस्ट प्राइस ट्रेड डिस्काउंट इंपोर्ट ड्यूटीज। सर यहां पे क्या होगा? इट विल बी अज्यूम कि दिस इज दीज ड्यूटीज आर नॉन रिफंडेबल। तो ये बात आगे आनी थी, हमने पहले ही डिस्कस कर ली। चलो जी, परचेज प्राइस 5 लाख, इंपोर्ट ड्यूटीज नॉन रिफंडेबल विल बी एडेड, इंस्टॉलेशन कॉस्ट एडेड, फ्यूल इनकर्ड व्हेन ट्रांसपोर्टिंग द प्लांट टू द फैक्ट्री डायरेक्ट एट्रिब्यूटेबल कॉस्ट में आ रहा है। एडमिन, सर एडमिन कॉस्ट जो है वो एसेट की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनता, क्योंकि एडमिन में जो अमला काम कर रहा है वो एसेट आए या ना आए, उनकी जो खर्चे हैं वो अपनी जगह वहीं के वहीं हैं। क्या ये बात समझ आई? स्टाफ पार्टी हुई, चलो भाई नया एसेट आया पार्टी हो जाए, तो ये जो स्टाफ पार्टी वगैरह भी जो है ये भी एसेट की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनता। अच्छा यहां पे एक और छोटी सी बात हम करते हैं। फॉर एग्जांपल आप गए प्लांट एंड मशीनरी एक्वायर करने के लिए जर्मनी, और यहां से जाने का खर्चा, ठीक, वहां पे हमने कोई गाइड लिया अपने साथ, ठीक, खाना पीना घूमना फिरना जो एसेंशियल चीजें हैं, जो भी खर्चा होगा जाने पे, वहां की रिहाइश पे, वहां हमने कोई और शुगल मेला किया तो वो ऐड नहीं करेंगे। समझ आ रही बात? होता है ना पाकिस्तानी बाहर जा रहे होते हैं शुगल मेला, चलो यार निकलते हैं वहां पे, तो भाई वो अपनी जेब से करना है। अगर आप बहुत ही महान है तो वो बोलेंगे भाई वो जरूरी था, जाहिर सी बात है जब तक ताल्लुकात नहीं बनेंगे तो बात कैसे आगे बढ़ती। एनीवेज, जाने का खर्चा, वहां की रिहाइश, वहां से एसेट खरीदा, वहां के पोर्ट पे लोड कराया, सारी ड्यूटीज वहां पे की, टैक्सेस पे किए, वहां से हम लोग कराची पोर्ट लेके आए, डन, जितनी भी ड्यूटीज थी जितने टैक्सेस थे पे किए, उसको क्लियर करवाया, क्लियरिंग एजेंट को पैसे दिए, यानी कि एक बड़ा लंबा प्रोसीजर आपको नजर आ रहा है इस एसेट को वहां से यहां तक लाने। सारी कॉस्ट क्या होंगी बोलिए? एड, यहां आ गया साइट प्रिपरेशन, उसकी इंस्टॉलेशन और वायरिंग शायरिंग ये वो सब, रास्ते भर की इंश्योरेंस, चलो जी एसेट आ गया। अब एसेट की इंस्टॉलेशन के लिए हमने बाहर से फरंगियों को बुलाया, उनके आने का खर्चा, ठीक, उनकी रिहाइश, उनका खाना पीना, डन, ये सब क्या होगा? जरूरी है या नहीं है? सर खुदा की कसम ये सारे जरूरी खर्चे हैं। तो जब ये खर्चे जरूरी हैं तो इसका मतलब एसेट की कॉस्ट का ये पार्ट बने। अब वो लोग जो आए बाहर से फरंगी, उन्होंने बोला हमें भी क्लिफ्टन दिखाओ मिसाल के तौर पे। अब मुझे बताइए क्या वो जो क्लिफ्टन या क्लिफ्टन की हमने सैर कराई उनको, तो वो क्या आएगा? नहीं आएगा। यानी कि हर वो खर्चा जो कि जरूरी है, ठीक, एसेट को काबिल इस्तेमाल हालत में लाने के लिए, देखो बार बार इन अल्फाजों का मैं आपको हिट करता हूं, काबिल इस्तेमाल हालत में लाने के लिए जरूरी है। तो सर वो शुगल मिले की अगर चले जाते हैं तो इसका मतलब वो उनका जाती खर्चा है। समझ आ रही बात? लेकिन खाना पीना रहना सहना, ठीक, और तो और जब वो यहां पे आए तो हमसे बड़ी रकम का तकाजा करते हैं कि भाई मिलियन बिलियंस का तो आपने एसेट लिया है, तो आपने चंद मिलियन तो हमारी इंस्टॉलेशन की जो चार्जेस है वो हम आपसे लेंगे। फुल प्रोटोकॉल दिया जा रहा होता है, ठीक, किन लोगों को जो बाहर से आते हैं इंस्टॉल करने के लिए, यहां से भी जो आते हैं इंस्टॉल करने के लिए एक्सपर्ट्स होते हैं, अपनी फील्ड के एक्सपर्ट्स होते हैं। तो हम जब भी कोई बाहर से टेक्नोलॉजी लेके आते हैं, अगर हमारे पास एक्सपर्ट्स मौजूद नहीं होते तो हम सारी सर्विसेज बाहर से लेते हैं, क्योंकि उस प्रोडक्ट की इंस्टॉलेशन के बाद फिर हम, हो सकता है जब प्रोडक्ट बनाए तो हम मार्केट में लीड कर रहे हों। कहने का मतलब मेरा सारा यहां पे ये है कि हर वो कॉस्ट जो कि यहां से हमने लगाई, हम खुद गए वहां पे हमारी रियायत, फिर वहां से लेके आए, जितना खर्चा फरंगियों को बुलाया, जितना खर्चा खाना पीना रहना सहना, ठीक, उसकी इंस्टॉलेशन के चार्जेस हमने पे किए, ये सब एसेट की कॉस्ट का क्या बनेगा? बोलिए पार्ट। डायरेक्ट एट्रिब्यूटेबल कॉस्ट एक बहुत गहरा कुआं है, सही है, जिसमें आप जाते जाएं जाते जाएं जाते जाएं, ठीक, किसी ना किसी एक पॉइंट पे आपने फर्क जरूर करना होगा, और फर्क
कब महसूस कर सकते हैं आप? जब आपको इसका मीनिंग क्लियर हो कि डायरेक्ट अट्रिब्यूटेबल कॉस्ट बेटा है क्या, वो कॉस्ट जो कि एसिड को काबिल इस्तेमाल हालत में लाने के लिए क्या हो बोले जरूरी हो। अब इसमें आप बात करते जाएं खुद ही आप फिल्टर करते जाएंगे, नहीं यार ये तो जरूरत नहीं थी ना शुगर मिली के लिए, हम कही जरूरत नहीं थी। अच्छा आप सुनिए एक और बात करते हैं सर, वो जब एसिड इंस्टॉल हो रहा था तो मजदूर आपस में लड़ पड़े ठीक, या फड्डा हो गया उन लोगों के साथ जो बाहर से आए हुए थे, किसी ने एक चीज उठा के यू करके फेंक दिया और मेरे एसिड नुकसान में आ गया। अब मुझे बताइए, अब तुम लोग भी शाणे हो चुके हो यार, अब मुझे बताइए ये जो नुकसान हुआ ठीक, क्या ये नुकसान ये मतलब ये प्रोसीजर का हिस्सा था कि हाँ यार तुम आना चीज तोड़ना मैं क्या करूंगा एसिडिक वॉश में ऐड कर दूंगा, ये चीज हमारी किस वजह से हुई है? हमारी नेग्लिजेंस की वजह से हुई है। हर वो कॉस्ट जो हमारी कोताही की वजह से हो रही होगी इनकर ठीक, उस कॉस्ट को हम लोग एसिड की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाएंगे। या फॉर एग्जांपल सर, हमने एसिड इंपोर्ट कराया और पोर्ट पे वो पड़ा हुआ है एसिड हमारा, और अभी मैं उसी की बात कर रहा हूं, पोर्ट पे हमारा एसिड पड़ा हुआ है, 5 दिन के अंदर हमने उठाना था और उसके लिए हम लोगों ने जो डेमरेज चार्जेस होते हैं, जो चार्जेस होते हैं जब तक पोर्ट पे एसिड वो पड़ा हुआ है तो उसके चार्जेस हम लोग पे कर रहे होते हैं। अब हमने सुस्ती में उसको नहीं उठाया, महीना लगा दिया, 10 दिन हो गए, या हमने बोला भाई हमारे पास डॉलर्स अवेलेबल नहीं है तो हम लोग पेमेंट नहीं करेंगे तो वहां से उठा भी नहीं सकते एसिड, मजा लेके आप उठा सके जब तक आप पेमेंट क्लियर ना कर दें। तो हमने बोला कोई मसला नहीं है, डॉलर मार्केट में शॉर्ट हुआ है, कोई बात नहीं, 5 दिन क्या 10 दिन क्या महीना पड़े रहे हमारे, इससे क्या फर्क पड़ता है। I-16 आया बोलता है बेटा बात सुनो, जब तुम्हें पता था कि तुमने पेमेंट डॉलर्स में करनी है और डॉलर मार्केट से शॉर्ट है तो तुमने डॉलर पहले से क्यों नहीं अरेंज किए? अगर ऐसे होने लगा तो साल भर तुमने डॉलर अरेंज नहीं किया, वो जो डैमेज चार्जेस हैं, एसिड आए थे 10 रुपए का आया था एसिड तुम्हारे पास और एसिड कहां से कहां पहुंच गया, 10 का आया था एसिड 30 पे पहुंच गया क्योंकि चार्जेस एसिड की इतनी औकात नहीं थी। कहने का मतलब ये है कि वो कॉज जो तुम्हारी नेग्लिजेंस की वजह से, इग्नोरेंस की वजह से इनकर होती है, उसको एसिड की कॉज का हम लोग पार्ट नहीं बनाएंगे। इसको जरा एक नजर देखिए, मैं एक बस एक कॉल उठा के आता हूं। जी बेटा अब बताइए, स्टाफ पार्टी, हमने बोला सर ये इससे हमारा कोई सरोकार नहीं है, और फिर क्या आया, स्टाफ पार्टी टू सेलिब्रेट द एक्विजिशन ऑफ द न्यू प्लांट। इग्नोर सर, इसका कोई भी काम नहीं है, ना माइनस ना प्लस। स्टाफ ट्रेनिंग नहीं आएगा, टेस्टिंग टू इंश्योर प्लांट फुली ऑपरेशनल बिफोर स्टार्ट ऑफ प्रोडक्शन, दिस इज वेरी कंपल्सरी कॉस्ट प्लस होगा, प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ सैंपल एंड बाय प्रोडक्ट मेड ड्यूरिंग टेस्टिंग। कल हमने बात की थी कि हम लोग एक मशीनरी जो इंस्टॉल किए उससे जो हमारे सैंपल्स बन रहे हैं ठीक, उन सैंपल्स को बनाने में लेट्स सपोज हमारी कॉस्ट अगर लगती है 10,000 की, और उन सैंपल्स को हम लोग फ्री में किसी को दे देते हैं, तो आप मुझे बताइए 10,000 की कॉस्ट जो है वो एसिड की कॉस्ट में ऐड होगी या नहीं होगी? बोले 10,000 की कॉस्ट जो ये सैंपल्स बनाने में हमारी इनकर हो रही है, क्या ये कॉस्ट कंपल्सरी है या नहीं है? भाई जब तक सैंपल हमारे पास नहीं आएंगे और सैंपल्स लेबोरेटरी में जाके जब उनकी वेरिफिकेशन नहीं होगी तो हम ऐसा तो नहीं है ना कि उसके ऊपर एकदम प्रोडक्शन स्टार्ट कर दें। सर सैंपल निकालना ये हमारे लिए कंपल्सरी है, कल भी हमने बात की थी, तो मैं फिर से रिपीट करता हूं बेटा बात सुने, इस चीज को क्लियर कर ले, जो हम सैंपल बना रहे हैं उसमें जो हमारी कॉस्ट इनकर हो रही है, क्या ये कॉस्ट एसिड की कॉस्ट का पार्ट बनेगा या नहीं बनेगा? सर 10,000 रुपए सैंपल बनाने में हमारी कॉस्ट इनकर हुई ठीक है जी, हमने वो सैंपल मार्केट में फ्री ऑफ कॉस्ट बेच दिए, कॉस्ट कितनी इनकर हुई है 10,000, 10,000 एसिड की कॉस्ट में क्या हो जाएगा बोलिए ऐड। केस वन, केस टू, 10,000 कॉस्ट इनकर हुई और वो हमने सैंपल्स कुछ पैसों के अवेज मार्केट में बेच दी, 10,000 कॉस्ट इनकर हुई थी, 3,000 रुपए में हमने वो सैंपल्स बेच दिए, तब आप मुझे बताइए क्या एसिड की कॉस्ट में 10 आएगा, 3 आएगा, 7 आएगा? 7, इसका मतलब कॉस्ट माइनस सेल्स करता हूं तो कॉस्ट कितनी है 10, 10 माइनस 3 किया तो क्या आया 7, ये जो 7,000 आया ये एसिड की कॉस्ट का क्या बन जाएगा पार्ट। तीसरा केस, 10,000 की कॉस्ट इनकर हुई इन सैंपल्स को बनाने में ठीक है जी,
और जिसमें हमारा मटेरियल लगा होगा, लेबर भी इस्तेमाल हुई होगी, उनको तो तनख्वाहें जाएंगी। ये थोड़ी कि यार हम तो बस मुफ्ते बना के भेज रहे, क्या फायदा मजदूरी लेके। ठीक, उनको उनकी मजदूरी दी जाएगी, वो जो रॉ मटेरियल खरीदा जा रहा है उसके हवाले से पैसा दिया जा रहा होगा। तो खर्चा कितना हुआ, बोले 10,000, उन सैंपल्स को हमने बेच दिया मार्केट में 12,000 में। तब आप मुझे बताइए एसिड की कॉस्ट में 2,000 क्या हो जाएगा, बोले माइनस। क्या ये वाली बात समझ आई? यानी कि उमूमन कॉस्ट होगी ज्यादा, प्रोसीड होंगे कम यहां पे। ठीक, उमूमन। लेकिन इसका उलट भी हो सकता है कि कॉस्ट लगी कम और प्रोसीड होए ज्यादा। अगर ये सिनेरियो है तो ऐसी की कॉस्ट में हम क्या करेंगे, बोलिए माइनस। अब मुझे बताओ यहां पे जो 13,000 है ये क्या है, ये प्रोसीड्स हैं फ्रॉम सेल ऑफ सैंपल एंड बाय प्रोडक्ट मेड ड्यूरिंग टेस्टिंग। इसका मतलब कॉस्ट लगी मिसाल के तौर पे 10,000, सही है जी, और हम लोगों ने उन सैंपल्स को बेचा अज्यूमिंग 23,000 में। क्या ये बात समझ रही, कॉस्ट लगी अज्यूमिंग 10,000, ये 10,000 वाली बात लिखी हुई नहीं है ना 23 वाली बात लिखी हुई है, उनका जो नेट इफेक्ट है वो यहां पर दिया हुआ है। तो 10 और 23 को मैंने एम ही अज्यूम किया था। ठीक, तो ये जो 13 आया, ये जो 13 है इसको एसिड की कॉस्ट में हम लोग प्लस कराएंगे या माइनस कराएंगे? माइनस। ठीक, माइनस हो जाएगा। सर प्रोडक्ट बन गई, हमने उसकी एडवर्टाइजमेंट शुरू कर दी। ठीक सर, इसका ताल्लुक एसिड की कॉस्ट से नहीं है, ये तो एसिड से जो प्रोडक्ट बन रही है उसको बेचने से इसका ताल्लुक है, एसिड की कॉस्ट से इसका ताल्लुक नहीं है। इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस, सर जब भी हम कोई चीज नई लेके आते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं, तो सर हमें शुरू शुरू में तो लॉसेस होते हैं, इस लॉस का ताल्लुक एसिड की कॉस्ट से नहीं है। और तो और अब आ जाइए इनिशियल ऑपरेटिंग लॉस वाली बात होगी, एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग, ये वाली बात मेरे ख्याल से अब आपको कुछ कुछ समझ आ चुकी है। रिमूवल कॉस्ट एट द एंड ऑफ इट यूजफुल लाइफ, फ्यूचर अमाउंट पेबल ₹7,031, प्रेजेंट वैल्यू एट डिस्काउंट रेट ऑफ 10%। यानी कि इसने हमें डिस्काउंट रेट दे दी है, हमें यहाँ पे फ्यूचर वैल्यू बता दी है, और डिस्काउंट रेट, फ्यूचर वैल्यू और जो टाइम होगा, सही है जी, जो भी लाइफ होगी, यहाँ पे लाइफ मेंशन नहीं है। अगर लाइफ मेंशन होती ना तो फ्यूचर वैल्यू, डिस्काउंट रेट और लाइफ की मदद से हम लोग क्या निकाल लेते, बोलिए प्रेजेंट वैल्यू। और प्रेजेंट वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फेयर वैल्यू डिवाइड बाई 1+i की पावर n। कंपाउंडिंग वाला है, आपने किया था ना QT में, पढ़ा होगा, वही काम हमने यहाँ पे करना है। अच्छा जी, द इनिशियल ऑपरेटिंग लॉस वॉज इनकर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ हैविंग कहाँ गया, हैविंग टू डंप अनसोल्ड स्पेशल ब्रेड एट सी सिंस द एडवर्टाइजमेंट हैड नॉट येट क्रिएटेड। हमने क्या किया, वो जो डबल रोटियां बनी थी हमने जाके निटी जिटी में फेंक दी, हमने बोला शायद अगर हमारी वैसी बिक्री नहीं हो रही तो हम मछलियों को दाना खिलाएंगे, तो अल्लाह पाले के। और अब मुझे बात बताइए, द इनिशियल ऑपरेटिंग लॉस वॉज इनकर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ हैविंग टू डंप अनसोल्ड स्पेशल ब्रेड, वो होगा ना नीटी जी, देखा होगा ना हमने जाके वहाँ पे वो आटे में फेंक रहे होते हैं उस तरह की चीज़ें। तो हमने बोला ठीक है यार, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे नीटी जी का कोई जिक्र नहीं है, ग्रिपिंग IFRS है। एट सी सिंस द एडवर्टाइजमेंट हैड नॉट येट क्रिएटेड सफिशिएंट डिमांड, नई प्रोडक्ट आई है, जाहिर सी बात है लोग उसको नहीं खरीदना पसंद करेंगे, टाइम लगेगा तो लॉसेज होंगे। ठीक, तो हमने क्या किया, उसको कहीं ना कहीं जाके ठिकाने तो लगाया। अब बताइए, कैलकुलेट द कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज टू द प्लांट अकाउंट, बोलो बेटा। क्या करेंगे बताइए, शाबाश जल्दी जल्दी से। पेज 6, परचेज प्राइस कितना, 5,00,000, और इम्पोर्ट ड्यूटीज 1,00,000, और इंस्टॉलेशन कितना, 30,000, फ्यूल 45,000, और टेस्टिंग, टेस्ट रन वाला जो है कितनी कॉस्ट, 10,980, सही है जी, और प्रोसीड्स कितना है, 13,000 नेगेटिव साइन के साथ, और जी और डिसमेंटिंग कॉस्ट कितनी, 270
20 कितना? 7 लाख. श्योर जरा अकाउंट सही से कैलकुलेशन कर लीजिए. देखो टेस्टिंग पे खर्चा आया, इसको हमने बेसिकली नेट ऑफ करना होता है. ये जो प्री प्रोडक्शन टेस्टिंग है इसको हम लोग नेट करके रिकॉर्ड करते हैं. हमने यहां पे नेट नहीं किया, अलग अलग रिकॉर्ड कर दिया. टेस्टिंग पे कितना खर्चा हुआ? 10,980. ठीक. और प्रोसीड्स कितनी आई हमारे पास? 13,000. तो या तो इसको नेट ऑफ कर लें, ठीक, या तो अलग अलग रिकॉर्ड कर लें. लेकिन 13,000 जो है ये हमारे पास हासिल हो रहा है उन सैंपल्स को बेच के. हाँ जी, सिंपल सा काम था. मैं तो चाह रहा हूँ जल्द से जल्द ये वाला काम हमारा निमट जाए और फिर एक्चुअल में वो चीज़ें शुरू हों जिसको हम लोग यहाँ पे करने के लिए आए हैं. लेकिन क्या ये चीज़ें जो हम कर रहे हैं क्या ये ज़रूरी हैं? इसके बगैर गुजारा ही नहीं है. इसके अगर यहाँ भी इन चीज़ों को इग्नोर कर दें तो सर PRC4 में भी कुछ चीज़ों को हमने इग्नोर किया. अब आप देख रहे होंगे वहाँ पे और यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आपको नजर आ रहा होगा कि जो चीज़ें लिखी हुई हैं उनको पहले हमने समझना है और लॉजिकल उसकी रीजनिंग ढूंढना है. यहाँ भी नहीं करेंगे तो इसका मतलब IE16 फिर आपका आगे किसी सब्जेक्ट में नहीं आ रहा, वो कहीं ना कहीं अपनी प्रेजेंस जरूर लेके आएगा. तो यहाँ पे चीज़ों को क्लियर करके आगे बढ़ना. आगे बढ़े पेज नंबर 7 पे. अब देखो बेटा, LX लिमिटेड हैज परचेज्ड अ लार्ज आइटम ऑफ प्लांट. पेज नंबर 7 एग्जांपल आई कैप स्ट्रेट एक्स से उठाई गई है. लिस्ट प्राइस दी हुई है प्लांट की. ये काम खुद ही जल्दी से कर ले आप, बता दीजिए कॉस्ट कितनी आ रही है. ये काम खुद कर ले आप. ₹13,90,000. अच्छा जी, आप लोग अपने जवाब बताइए. जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स बताइए. लिस्ट प्राइस गिवन है 1,000,000. हाँ जी बाजी देख लीजिए. इसका भी ख्याल रखिएगा, ऊपर लिखा हुआ है ₹1,000,000 में और नीचे 250,000,000 में लिखा हुआ है. 250,000,000. आर्किटेक्ट से हम जो नक्शा बनवा रहे हैं ये तो जरूरी है. ₹13,90. अच्छा आपने क्या किया, 1,000,000 में आपने 50,000 ऐड किया, माइनस किया. चले माइनस किया, कितना हो गया? 950. सही है 950. फिर क्या किया आपने, 1,00,000 को ऐड किया, 1,25,000 को ऐड किया. साइट प्रिपरेशन को आपने क्या किया, ऐड. आर्किटेक्ट फी को क्या किया, ऐड. एडमिन को आपने कुछ भी नहीं किया. और नीचे जो आपको नजर आ रहा है, लोकल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैव ग्रांटेड AS अ लाइसेंस टू ऑपरेट द प्लांट ऑन कंडीशन. आप देख रहे हो वही वाली बातें जो अभी हमने थोड़ी देर पहले यहाँ पे की थी कि भाई प्लांट एंड मशीनरी को तुम इंस्टॉल कर रहे हो लेकिन जो लोकल गवर्नमेंट है वो बोलती है भाई हम आपको लाइसेंस जारी करेंगे ही उस वक्त जब आप हमसे एक वादा करो और अपनी एक जिम्मेदारी क्रिएट करो कि आज से इतने अरसे बाद जाके जब एसेट का यूज या लाइफ एंड होगी तो तुमने ये खर्चे करने पड़ेंगे. ठीक, ये खर्चे करने पड़ेंगे. हाँ तो अभी मैं उसी पे आ रहा था, आप लोगों का पहले जवाब कुछ और था. सही है, अब सुनिए यार, ये जो लाइन लिखी हुई समझ आ रही है साथियों आप लोगों को? लोकल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैव ग्रांटेड ए लाइसेंस, ठीक, डिसमेंटल द प्लांट एंड रिस्टोर द साइट टू इट्स former condition at the end of the plant life. AL has estimated the amount of 250 million in present value term for the related obligation. For the related obligation. अब बताइए 250 क्या है?
ये फ्यूचर वैल्यू है, प्रेजेंट वैल्यू है? अभी तक हम लोगों ने फ्यूचर वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू से प्रेजेंट वैल्यू निकालना सीखा नहीं है। हमने फ्यूचर वैल्यू से प्रेजेंट वैल्यू निकालना हमने सीखा नहीं है भाईजान, कोई ऐसे मसले की बात भी नहीं है। तो अब मुझे बताइए, प्रेजेंट वैल्यू गिवन है, हमें चाहिए प्रेजेंट वैल्यू थी, तो 250 ऐड करने के बाद कितना हो गया? 1,640,000 1,640,000 1,640,000 ऑनलाइन स्टूडेंट्स बताओ बेटा, 1,640,000 अच्छा बोर्ड पे हमारे पास एक एग्जांपल अभी भी नजर आ ही रही है। अगर मैं आपको कहूं कि बेटा लाइफ इज 5 years इसी में और डिस्काउंट रेट, जिसको मैं समझाने के लिए सिंपल इन्फ्लेशन का रेट दे रहा हूं, 10%। सर मतलब क्या हुआ? एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि फ्यूचर में इन्फ्लेशन 10% से होगी, ठीक। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि रिक्वायरमेंट में मुझे बताइए प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी, बता सकते हैं प्रेजेंट वैल्यू क्या हो सकती है? मैं क्या करूंगा, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल्स टू डिवाइड बाय 1 प्लस आई की पावर, बोले एन। फ्यूचर वैल्यू कितनी है? 10 डिवाइडेड बाय 1.1 की पावर, बोलो 5, कितना आ गया? 6.20। हेलो, तो 6.20 आ गया, डन। इसमें इसको ऐड कर रहा हूं 136.2, जो अमाउंट डेप्रिशिएट होगा वो कितना होगा? 136.2। ये वाली बात समझ आई? ये वाला जो अभी हमने काम किया, इसको हम लोग पेज नंबर 8 जो हम देख रहे हैं, इस पे एक एग्जांपल गिवन है, उसमें कंटिन्यू कर लेंगे यही सारा काम। उस वक्त ये काम कंटिन्यूटी में चल जाएगा, वहां पे कुछ और बातें लिखी हुई हैं, कुछ इजाफी, तकरीबन ऐसे कुछ सिनेरियो बन गया। बेटा बात समझ आ गई? हेलो, चले मुझे बताएं कि पेज नंबर 7 पे जो आई के स्टडी एक्स वाली एग्जांपल है वो क्लियर है? Yes, कितना अमाउंट आया? 1,640,000, ठीक है बेटा। अब आ जाइए अगली एग्जांपल पे। अ न्यू मशीन इज परचेज बाय अरमान एंटरप्राइज, रेलेवेंट डिटेल्स आर एज फॉलोस। आप कैलकुलेट करें, बस कैलकुलेटर उठाओ, मशीन में प्लस माइनस करो जो होना है, और जो नहीं होना उनको छोड़ दो। आप ऐसे ही रफली बताइए प्लस माइनस करने के बाद कि कितनी कॉस्ट आपके पास आ रही है। लिस्ट प्राइस बोलो बेटा 8 लाख, ट्रेड डिस्काउंट 10%, तो स्ट्रेट अवे आप यू कर सकते हैं 8,90,000 ले लो आप। या तो आप 2 स्टेप में काम करें या तो सिंगल स्टेप में करें, मल्टीप्लाई बाय 90% कर लें आप। इंपोर्ट ड्यूटीज क्या होंगी? Add. सर यहां पे लिखा तो नहीं रिफंडेबल या नॉन रिफंडेबल, तो इट इज अज्यूम दैट इफ नथिंग इज मेंशन इट विल बी नॉन रिफंडेबल। कॉस्ट ऑफ साइट प्रिपरेशन बोले एड, आर्किटेक्ट फी नॉन रिफंडेबल टैक्सेस। अच्छा यहां पे आ रहा है इनकम टैक्स एडजस्टेबल रिफंडेबल, ये फ्यूचर में एडजस्ट हो जाएगा। सेल्स टैक्स के हवाले से मैं यहां पे ज्यादा बात नहीं करूंगा, एक एग्जांपल में भी डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन इसका मेनली डिस्कशन जब आप कैफ 2 ले रहे हो, सेल्स टैक्स का टॉपिक आएगा, तो इंशाल्लाह सर मुनीर इस चीज को बड़े जबरदस्त अंदाज से जो है
वो समझाएंगे। इसको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, ये फ्यूचर में एडजस्ट हो जाएगा तो इसको नहीं लेना है। इग्नोर। जी जवाब आया है भाजी का 773900। चले जी, हम अपना वही डिस्कशन कंटिन्यू रखते हैं, यानी कि इनकम टैक्स एडजस्टेबल वाला, रिफंडेबल वाला जो है वो नहीं आना। इंश्योरेंस इन ट्रांजिट आएगा, फी पेड टू क्लियरिंग एजेंट आएगा, ऑक्ट्रॉय चार्जेस आएंगे, लैंड प्रिपरेशन कॉस्ट आएगी, इंस्टॉलेशन कॉस्ट आएगी, एस्टिमेट ऑफ इनिशियल कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग विच कंपनी इज लाइबल टू पे आएगा, कॉस्ट ऑफ फर्नीचर ब्रोक डाउन ड्यूरिंग हैंडलिंग द मशीन। यहां पे हम लोग अपने पास एक पॉइंट लिख भी देते हैं, एनी कॉस्ट इनकर्ड, यानी कि नोट करके एक पॉइंट लिखिए। एनी कॉस्ट इनकर्ड ड्यू टू नेग्लिजेंस और इग्नोरेंस, एनी कॉस्ट इनकर्ड ड्यू टू नेग्लिजेंस और इग्नोरेंस will not be added in cost of asset, will not be added in cost of asset. ठीक है जी, ये नोट डाउन कर लिया आपने, यानी कि हर वो कॉस्ट जो हमारी कोताही की वजह से इनकर होती है उसको हम लोग एसेट की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाएंगे। इंश्योरेंस फॉर द ईयर, लाइसेंस फी फॉर द ईयर, इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस, बताइए लाइसेंस फी फॉर द ईयर। एसेट तो अवेलेबल फॉर यूज है, ठीक, अब उसको ऑपरेट करने के लिए हमें क्या चाहिए? लाइसेंस। क्या लाइसेंस नहीं आएगा? देखो बात सुनो, किसको ऐड करें? सैंपल जरूरी क्यों थे बनाना? देखें, हम लोगों ने क्या किया, यहां पे जो लाइसेंस फी फॉर द ईयर आ रही है, और अभी हम बात करें, एक्सक्यूज मी एक मिनट बेटा, हमने बात की सैंपल्स की, सैंपल्स में क्या कंफ्यूजन है कि सैंपल्स को हम लोग क्यों नहीं ऐड करेंगे? लाइसेंस की अगर हम बात करें ना बेटा, यहां पे बात सुनो, लाइसेंस एक इनटेंजिबल एसेट है। लाइसेंस जो है वो हमारे पास क्या है, बोली, एक इनटेंजिबल एसेट है, और इनटेंजिबल एसेट का स्टैंडर्ड है IS 38। यहां पे जो हम लोग स्टैंडर्ड को डील कर रहे हैं वो है IS 16 टेंजिबल। तो यहां पे एसेट की कॉस्ट का इसको पार्ट हम लोग नहीं बनाएंगे, क्योंकि यहां पे बात हो रही है टेंजिबल एसेट की कॉस्ट, तो इसीलिए हम लोग लाइसेंस को एसेट की कॉस्ट का पार्ट नहीं बना रहे। अब देखिए, इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस नहीं आना, अब ट्रायल रन कॉस्ट, नेट ऑफ सेल प्रोसीड ऑफ प्रोटोटाइप सैंपल, यहां पे नेट ऑफ इसने खुद कर दिए, यानी कि 4000 क्या होगा कॉस्ट। नॉर्मली इसका जो ट्रीटमेंट होता है वो कॉस्ट माइनस सेल्स होता है। मैंने आपसे बात की है कि कॉस्ट अमूमन ज्यादा ही होती है, और जो प्रोसीड्स उससे हासिल हो रहे होते हैं, जो सेल करके जो अमाउंट हासिल हो रहा होता है वो अमूमन कम ही होता है, ठीक। तो यहां पे 4000 क्या है, कॉस्ट है, और जो स्क्रैप वैल्यू है, जो सेल्स वैल्यू है, वो कितनी है, बोलिए, 2100। तो नेट कितना हुआ? 1900। तो ये 1900 एसेट की कॉस्ट में क्या हो जाएगा, ऐड। और एडमिन कॉस्ट हमने बात की थी, एडमिन कॉस्ट जो है वो नॉर्मल रूल क्या है कि उसको हम लोग क्या करेंगे, एक्सपेंस आउट। बोलिए जवाब क्या आया, 773900। सवाल यह आया कि एक बंदा इंस्टॉलेशन कर रहा था और वो किसी वजह से इंजर्ड हो जाता है, तो क्या वो एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनेगा या नहीं बनेगा, क्या ख्याल है? बोलिए। ऐसे तो बंदा अपनी जान भी दे दे, बोले यार बीवी बच्चे जो है उनका भला हो जाएगा, सारी जिंदगी जो है बैठ के आराम से खाएंगे।
एसेट की कॉस्ट का ये पार्ट नहीं बनाएंगे। अच्छा जी, अगले पेज पे आइए। पेज नंबर 8 पे जो एग्जाम्पल है डिसमेंटलिंग वाली, इस पे बात कर लेते हैं। पेज नंबर 8 पे जो डिसमेंटलिंग वाली एग्जाम्पल है इस पे बात कर लेते हैं, या ऊपर वाली एग्जाम्पल देख लें, जैसे बोले आप, क्योंकि एग्जाम्पल वही की वही चीज है, वही प्लस माइनस वाले मामला चलेंगे। क्या करें बताएं, डिसमेंटलिंग वाला देख ले या ऊपर वाली एग्जाम्पल देख? चले ऊपर वाली एग्जाम्पल देख लेते हैं। डिसमेंटलिंग वाली एग्जाम्पल का हमने आधा पार्ट तो यहां पे डिस्कस कर लिया, बस एक पॉइंट उसका रह गया है जो कि इस एग्जाम्पल में वो करके फारिग हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, एग्जाम्पल स्प्रिंग 2013 अमार लिमिटेड वाली बात को कंप्लीट करके देखते हैं कितना टाइम बचता है। चलो जी, अमार इज ए मैन्युफैक्चरर ऑफ पर्सनल प्रोडक्ट एंड हैज फैक्ट्रीज इन टू डिफरेंट सिटीज। On 1st November 11, he bought a new state-of-the-art plant from Krones, USA. The invoice value of the plant was Rs. 250 million. Other relevant details are as follows. Requirement, dekho zara kya hai? 8 number ka sawal hai. Cost at which the plant would be capitalized. Yani ke रिकग्निशन आफ्टर मेजरमेंट, या इनिशियली एसेट को किस वैल्यू पे मेजर किया जाएगा। तीन बातें आती हैं, परचेज प्राइस, डीएसी डायरेक्ट एट्रिब्यूटेबल कॉस्ट, और तीसरा कौन सा होगा? डिसमेंटलिंग। चलो जी, ये 250 आएगा सर, ये तो इनवॉइस वैल्यू, ये तो क्या है हमारी लिस्ट प्राइस है। चलो जी, 250 आगे लिखा हुआ है मिलियन। आए नंबर वन पढ़ते हैं, कॉस्ट ऑफ इंपोर्ट। हमने बाहर से चुके एसेट इंपोर्ट कराया, तो हम चुके बायर हैं और हम अपने बैंक के पास जाके एलसी खुलवाएंगे ताकि हमारे सप्लायर को आप क्या कर सकें, पेमेंट करें, और एक गारंटी की भी दे रहे होते हैं हम अपने सप्लायर को कि भाई आप टेंशन ना लो, आपकी पेमेंट मैं तो क्या, मैं डिफॉल्ट भी करता हूं, मेरा बैंक क्या बन गया है, गारंटर बन गया, वो आपको पैसे की अदायगी करेगा। तो बैंक चार्जेस लेगा इसके हमसे? लेगा। तो बताइए एलसी जो खुलवा रहे हैं, लेटर ऑफ क्रेडिट जो खुलवा रहे हैं, उसके जो चार्जेस हैं, वो क्या एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनेंगे? बनेंगे। यानी कि 250 में प्लस क्या हो गया बोले? 1। पहले हम रफली बात करें, फिर हम एक बोर्ड पे लिख देंगे सारी चीजें एक ही अंदाज से। अच्छा जी, तो 250 प्लस 1 हो गया, इंपोर्ट ड्यूटीज प्लस हो जाएगा, सेल्स टैक्स पेड रिकवरेबल अगेंस्ट प्रोडक्शन आउटपुट ये नहीं होगा। इसके हवाले से मैं एग्जांपल डिस्कस कर लूंगा, वहां पे हम देखेंगे। एक होता है इनपुट टैक्स होता है और एक होता है आउटपुट टैक्स, देख लेंगे। फिलहाल इसको आपने कहा कि नहीं लेंगे क्योंकि रिकवर हो जाना है, सिर्फ इतनी बात हमें समझ आने के भाई रिकवर हो जाना है, इसका मतलब एसेट की कॉस्ट का पार्ट ये नहीं बनना, आसान अल्फाज में, तो नहीं लिया। क्लियरिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन, तो इसका मतलब 250 प्लस 1 प्लस 25 प्लस 5, अभी तक तो यहां तक चल रहे हैं मामला, 250 प्लस 1 प्लस 25 प्लस 5, यहां तक मामला चले। सेकंड एडजस्टमेंट पढ़िए, कॉस्ट इनकर्ड ऑन साइट प्रिपरेशन, अमाउंट पेड टू कंसल्टेंट ऐड होगा, ठीक है जी। सिविल एंड इलेक्ट्रिकल वर्क हुआ ऐड होगा, क्या ये वाली बात समझ रही? यानी कि 2 प्लस 3 कितना हो गया बोलो? 5। यानी कि साइट प्रिपरेशन में 2 प्लस 3 हुआ इज इक्वल्स टू 5। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, द अबव इंक्लूड कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट डैमेज ड्यू टू मिसहैंडलिंग। अभी हमने बात की थी वो कॉस्ट जो हमारी इग्नोरेंस या नेग्लिजेंस की वजह से इनकर हो रही है, उसको एसेट की कॉस्ट का पार्ट हम लोग नहीं बनाएंगे सर, नहीं बनाएंगे, चूंकि एडिड है तो माइनस कराएंगे। तो इसका मतलब 5 माइनस
क्या करेंगे? 0.8 कितना हो गया? अच्छा ये तो आपने मुझे टोटल बता दिया, यानी कि फिलहाल अभी अमाउंट पेड टू कंसल्टेंट ये आएगा 2 + 3 माइनस क्या हो जाएगा 0.8 कितना हो गया इसका? ये तो अभी आपने टोटल बता दिया ना, मैं रिपीट करता हूं, 250 + 1 + 25 + 5 + 2 + 3 ठीक, +2 + 3 - 0.8 यहां तक अभी हम पहुंचे हैं। आगे बढ़िए, the plant was received at the site on 1st Feb 2012। अच्छा ऊपर बिल्कुल देखें टॉप पे, ऑन 1st November 2011 ही बॉट अ न्यू शेड ऑफ द आर्ट प्लांट फ्रॉम क्रोन्स, खरीदा था 1 November 2011 को, ठीक। और अभी रुक जाइए और यहां पे प्लांट साइट पे रिसीव हुआ है कभी? 1st Feb 2012। इंस्टॉलेशन और टेस्ट रन सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ, 3 महीनों के टाइम लगा जिसमें 6 मिलियन की कॉस्ट लगी, क्या ये बात समझ आ रही है? तो फीलिंग ये आ रही है 6 मिलियन तो ऐड होगा। द सेल प्रोसीड ऑफ द टेस्ट प्रोडक्शन वर 1.2 मिलियन। तो आप मुझे बताइए इंस्टॉलेशन पे और टेस्ट रन पे ये दोनों इसने कंबाइन कर दी है कॉस्ट, हम बायफर्केट नहीं कर पा रहे, अदरवाइज इंस्टॉलेशन की कॉस्ट तो स्ट्रेट ऐड होनी थी। हेलो, टेस्ट रन और जो सैंपल्स वगैरह हैं इनको हमने क्या करना था? नेट ऑफ। अब चूंकि हमें इंस्टॉलेशन और टेस्ट रन की कॉस्ट अलग अलग नहीं दी हुई, एक साथ मिला के कितनी दी हुई है बोलिए? 6, ऐसा ही है। तो हम यहां पे 6 में से माइनस क्या कराएंगे? 1.2। क्या ये बात समझ रही? तो इंस्टॉलेशन पे हमारा और टेस्ट रन पे, इंस्टॉलेशन एंड टेस्ट रन पे हमारा खर्चा नेट कितना आ गया? 4.8। डन। तो फिर से बात करते हैं, 250 + 1 + 25 + 5 + 2 + 3 - 0.8 + 6 - 1.2 यहां तक साथ। अच्छा जी नंबर 4 देखिए, कमर्शियल प्रोडक्शन कमेंस्ड ऑन 1st May 2012। अच्छा जी एक बात का जवाब दीजिए, प्लांट साइट पे कब आ गया था? हाँ, 1st Feb, ठीक है जी। और कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट कब हुई है? 1st May, ठीक है जी। तो फेब से मई तक कितना अरसा बनता है, कितने महीने बनते हैं? फेब, मार्च, अप्रैल, कितने महीने बने? 3। ड्यूरिंग द पीरियड इन विच द प्लांट वॉज इंस्टॉल्ड, एडमिन एंड जनरल ओवरहेड इंक्रीज्ड बाय 1 मिलियन एज कंपेयर टू द प्रीवियस पीरियड। हमने बात की थी कि एडमिन और जनरल ओवरहेड जो है वो एसेट की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनते, तो हम लोग इसको क्या करेंगे बोलिए? एक्सपेंस आउट, इसको एसेट की कॉस्ट में हम लोग शामिल नहीं करेंगे। आगे बढ़े, सैलरी ऑफ फैक्ट्री मैनेजर कितनी है? 2.5 लाख पर मंथ। ही कॉन्ट्रीब्यूटेड 30% ऑफ हिज टाइम इन सुपरवाइजिंग द इंस्टॉलेशन। अब बताइए यहां पे दो राय, दो राय होंगी, या तो ऐड होगा या तो नहीं होगा। अच्छा वो लोग जो कि कह रहे हैं ऐड होगा, तो जरा कैलकुलेशन बताएंगे कि ऐड अगर होगा तो किस हिसाब से होगा? सैलरी का 30% जो के बना 75,000। अब ये जो 75,000 बना
ये तो पर मंथ है। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले एक बात की थी कि फरवरी मार्च अप्रैल साइट पे आया और उसकी कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट कब हुई? 1 अप्रैल। तो फेब मार्च अप्रैल में क्या हुआ, जो फैक्ट्री मैनेजर था उसकी जो सर्विसेज थी वो ली गई हैं। किस पर्पस के लिए? इंस्टॉलेशन करवाने के लिए। क्या ये वाली बात समझ आ रही है? तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास आया 250, ठीक, यानी कि सारी वर्किंग किस में चल रही है, हमारे पास मिलियंस में चल रही है, तो मैं क्या करूंगा 250 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 क्यों किया, फरवरी मार्च अप्रैल मल्टीप्लाई बाय 0.3 क्या है 30% वाली बात, तो बताइए बना कितना, 2,00,000। अच्छा 2,25,000 बना। अब तक हमारी सारी वर्किंग हो रही थी मिलियंस में, 250 मिलियन 1 मिलियन 25 मिलियंस, यानी कि हम सिर्फ क्या डिजिट रख रहे थे, 250 प्लस 1 प्लस 25 प्लस 1। ये जो भी आप मुझे बता रहे हो कितना बता रहे हो, यहां पे जरा होशियार रहना। अगर यहां पे आपने वो वाली वैल्यू जो अभी मुझे बताई थी कितनी बता रहे थे, 225,000, अगर आप ये कर देते तो हमारी पूरी ही वैल्यू डिस्टॉर्ट हो जाती, क्योंकि ऊपर चल रहे थे हम लोग किसमें, मिलियंस में, और यहां पे आई के आपने थोड़ी सी शरारत की है, और वो शरारत ये की है कि जो आपके पास जवाब आया वो किसमें आ गया, थाउजेंड्स में आ रहा है, ठीक, उसको हमने किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, मिलियंस में। मिलियंस में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे आप, एक बात सुनिए, 250,000 यानी कि कैलकुलेटर में लिखा हमने 250,000 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 0.3 करें, कितना आ गया, नहीं जो आया जवाब कैलकुलेटर में 2,25,000। अब डिवाइड कराओ 16×0 से, यार ये मैं बहुत नीचे उतर आया हूं लेकिन सिर्फ बात समझाने के लिए, यानी कि जो भी जवाब आए ना उसको मिलियंस में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड बाय 1,00,000, 1,00,000, 0,00,000, तो हमारे पास जो जवाब आया वो क्या आया, 0.225, इन सबको एड अप कर लें कितना बना, 290.225। ये हमारे एसेट की क्या हो गई, बोलिए कॉस्ट, एक बात तो ये हो गई 290.225, ये हो गई एसेट की कॉस्ट। अब डेप्रिसिएशन मालूम करना है, डेप्रिसिएशन पता करने के लिए क्या करेंगे बताइए, नीचे लिखा हुआ था 6 में स्टाफ ट्रेनिंग, हमने उसको देखते ही इग्नोर कर दिया, और नंबर 7 में लिखा हुआ है प्लांट की लाइफ कितनी है, बोलिए 15 साल, तो हम क्या करेंगे 290.225 डिवाइडेड बाय क्या करेंगे 15। अब बताइए एसेट अवेलेबल फॉर यूज कब से था, उस वक्त से लेके ईयर एंड तक कितने महीने बनते हैं, 11 महीने जी बताइए, एसेट अवेलेबल फॉर यूज कब से था, यानी कि उसकी कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट कब से हुई, जब से वो अवेलेबल फॉर यूज होगा, कितने महीने बनते हैं, 8। तो मैं क्या करूंगा बेटा, कॉस्ट कितनी आ गई, कॉस्ट में किसी को कोई मसला नहीं, 290.225 दिस इज कॉस्ट, हेलो, डेप्रिसिएशन निकालने के लिए 290.225 डिवाइडेड बाय 15, तो आया साल का, मल्टीप्लाई बाय कितने मंथ का, सर जब से प्रोडक्शन स्टार्ट हुई, यानी कि मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, कितने महीने बन गए, 8, मई से लेके दिसंबर तक बने 8 महीने, तो मल्टीप्लाई बाय 8/12 किया तो जवाब कितना आया, कितना आ गया जवाब, 12.89, तो ये आ गया हमारे पास डेप्रिसिएशन। अच्छा ये जो हम लोग फैक्ट्री मैनेजर को, बेटा बात सुनिए, सैलरी पे कर रहे हैं, हेलो,
फैक्ट्री मैनेजर को जो हम सैलरी दे रहे हैं, अगर हम लोग उसकी सर्विसेज नहीं लेते, एक्सक्यूज मी, फैक्ट्री मैनेजर जिसकी हम सर्विसेज ले रहे हैं, अगर उसकी सर्विसेज प्लांट की इंस्टॉलेशन में नहीं ली जाती, तो क्या तब भी उसको 2.5 लाख पर मंथ देना पड़ता? मैं सवाल जरा समझिएगा, फैक्ट्री मैनेजर की अगर सर्विसेज प्लांट एंड मशीनरी की इंस्टॉलेशन में नहीं लेते, लाइक वो है आप, सही है रही, तो 2.5 लाख पर मंथ आपको तो वैसे ही जाना है, बात समझ आई? 2.5 लाख तो वैसे ही जाना है। यहां पे अपने पास एक पॉइंट नोट कीजिए, पॉइंट नोट कीजिए इसी कॉन्टेक्स्ट में रहते हुए कि डायरेक्ट एट्रिब्यूटेबल कॉस्ट शुड बी कैपिटलाइज should be capitalized, it may or may not be incremental. Direct attributable cost should be capitalized, it may or may not be incremental. It may or may not be incremental. क्या समझ रही बात? It may or may not be incremental. एक बात का जवाब दें, ये 1 मिलियन LC इंक्रीमेंटल है, इजाफी कॉस्ट है, इंपोर्ट ड्यूटी इजाफी कॉस्ट है, क्लियरिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन इजाफी कॉस्ट है, हेलो है, कंसल्टेंट को दी या इजाफी कॉस्ट है, तो इसका मतलब डायरेक्ट एट्रिब्यूटेबल कॉस्ट इज इक्वल टू इजाफी कॉस्ट, हेलो माइंड बना, डायरेक्ट एट्रिब्यूटेबल कॉस्ट इज इक्वल टू इजाफी कॉस्ट, 250 तो सर ऑब्वियसली है ना, वो तो इनवॉइस प्राइस थी ना, बाकी 1 और अभी जो बात की ना हमने 125, 5, 2, 3 और ये सब, सर ये तो सारी इजाफी कॉस्ट है, तो माइंड बन गया कि डायरेक्ट एट्रिब्यूटेबल कॉस्ट इज इक्वल टू इजाफी कॉस्ट, ठीक। जब हम लोग आए, जरा बात को समझना, नाजुक पॉइंट है ये, जब हम आए फैक्ट्री मैनेजर पे, हमने बोला सर वो नहीं भी सर्विसेज देता तो 2.5 लाख तो हमने वैसे भी इसको देने, तो ये तो इजाफी कॉस्ट तो नहीं है, हेलो बात समझ आ रही है, ठीक, ये इजाफी तो नहीं है, ये तो डायरेक्ट एट्रिब्यूटेबल कॉस्ट का पार्ट नहीं बनना चाहिए, तो स्टैंडर्ड आया, उसने कहा कि डायरेक्ट एट्रिब्यूटेबल कॉस्ट जो है उसको तुमने क्या करना है, सबसे पहली स्टेटमेंट कैपिटलाइज करना है, डन, इस बात से तो हम सब एग्री करते हैं। दूसरी बात उसने क्या बोली, वो हो सकता है और नहीं भी हो सकता, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, कि इंक्रीमेंटल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। यहां जो 250,000 वाली बात मल्टीप्लाई बाय 3 × 0.3 वाला जो हमने काम किया, 0.225 वाला जो अमाउंट आया, आप मुझे बताइए क्या ये इजाफी है कॉस्ट या नहीं? वन क्या है? इजाफी। 25 क्या है? इजाफी। 5 क्या है? इजाफी। ठीक, लेकिन ये जो अभी 0.225 वाला आपने अमाउंट कैलकुलेट किया, ये इजाफी है या नहीं है? नहीं है, लेकिन हमने चूंकि उससे सर्विसेज ली हैं, ठीक, स्पेसिफिक किसी पर्पस के लिए, तो IAS ने हमें ये कहा कि डायरेक्ट एट्रिब्यूटेबल कॉस्ट वैसे तो तुम्हें बजाय नजर आ रही होंगी इजाफी इजाफी इजाफी, लेकिन कुछ कॉस्ट ऐसी होंगी जो इजाफी नहीं होंगी, लेकिन एसेट की कॉस्ट का क्या बनेगा, बोलिए वो पार्ट बनेगा। एग्जांपल आपके सामने है, मैंने पॉइंट यहां पे नोट करवाया लर्निंग आउटकम की सूरत में कि डायरेक्ट एट्रिब्यूटेबल कॉस्ट को क्या कराना होगा, बोलिए कैपिटलाइज, इट मे और मे नॉट बी, बोलिए इंक्रीमेंटल। कौन सा बेटा? सुनिए, हेलो सवाल आया कि सर अगर, हेलो सवाल आया कि सर अगर वो सुपरवाइज नहीं करता, ठीक, वो है आप जो कि फैक्ट्री मैनेजर हैं, आप सुपरवाइज नहीं कर रहे, 2.5 लाख कंपनी का खर्चा है पर मंथ, एक्सपेंस में जाता, प्रॉफिट एंड लॉस में जाता, लेकिन चूंकि उसकी सर्विसेज ले ली गई हैं,
तीन महीने की, तो वो प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस नहीं जाएगा, वो क्या हो जाएगा, एसेट की कॉस्ट में शामिल हो जाएगा। एक्सपेंस आउट होना और कैपिटलाइज होना दोनों अलग मीनिंग है। आई होप सो आप लोगों को बात समझ आ रही है। तो डायरेक्ट एट्रिब्यूटेबल कॉस्ट वैसे तो इजाफी होती है, लेकिन सर जरूरी नहीं है कि इजाफी भी हो। हम लोग आज की क्लास यहां तक एंड करते हैं। हमारा इंशाल्लाह अगला जो एरिया शुरू होगा वो डिसमेंटलिंग का, आधे से ज्यादा माहौल तो हमने बना लिए, थोड़ा सा पार्ट और डिस्कस करूंगा तो डिसमेंटलिंग वाला एरिया खत्म। और उसके बाद क्या आ रहा है, एसेट को जब हम लोग सेल्फ कंस्ट्रक्ट करते हैं तो उसका क्या ट्रीटमेंट होगा, सबसिक्वेंट एक्सपेंडिचर और एक्सचेंज ऑफ एसेट। यानी कि अगली क्लास में ये निमट जाएगा और उसके बाद तीन क्लासेस हम लोग इसमें निकालेंगे और उसके बाद फिर हमारा वही जो कॉस्ट मॉडल रीवैल्यूएशन मॉडल यानी कि तूफान आने वाला वो शुरू हो जाएगा। ठीक है भाई, अल्लाह हाफिज़।